What's up guys, आप सब लोगों का स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अनदर ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम ऑफ GD5 रोल प्ले इन TLRP. कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन गाइज. बहुत बहुत थैंक यू. हाउ आर यू गाइज डूइंग? कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम. लाइक्स मारते रहना. ओके, लाइक्स आज रुकना नहीं चाहिए. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कल के लाइक्स के लिए ओके सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू. इतनी बड़ी सपोर्ट मिला, इतना स्ट्रीम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. 400 प्लस लाइक्स गए थे कल हम लोग, तो थैंक यू सो मच टू द एंटायर यू नो TLRP फैमिली जो लोग भी स्ट्रीम करते हैं एंड टू श्रीमान लजन आर्मी एज वेल. थैंक यू अजिंक कलोखे, बहुत बहुत स्वागत. प्रशांत, विकास, अर्को, विकास, सुवदीप, एच, प्रशांत, तुषार शिंदे, थैंक यू. कैसे हो आप सभी लोग? खाना हुआ कि नहीं पहले बताओ. खाना हुआ कि नहीं पहले ये जानना, ये जानना है. मस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. सत श्री अकाल, आदाब गाइस, वेलकम. मजा आ गया. जीवन जेल, जेल या जाले? बहुत मजा आया गाइस. प्रोविजनल ऑफिसर स्पेंसर जोन्स 1041. सेवन एट टू प्लस वन लिविंग दिस सिचुएशन. एट टू 42 फॉर द डे. 10-4, थैंक यू फॉर सर्विस. 10-4. ये मेरा पर्सनल साथ में मछलियां और वो रखे हुए हैं भाई. हमको मछलियां बेचनी है, सड़ जाएगा वरना इसमें. अरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सब लोग क्या हो गया? सब शांत हो? बोलो बोलो. हेलो, वेलकम सभी लोग. यार बात करो भाई. हेलो, चैट अटक तो नहीं रहा गाइस. MRPD तो नहीं अटक रहा, विच इज अ गुड साइन. एनी एक्टिव्स गोइंग ऑन प्लीज? हेलो, एक और केस है. हाँ नमस्कार. अभी वो सर, नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्ते. जय हिंद सर. कैसे आप? जय हिंद जय हिंद. बस बढ़िया बढ़िया. कि दो दो आसे क्यों सेलेक्ट करते आप सर? वो जस्ट टू लुक कूल. सॉरी सर, माफ कीजिएगा. सर असली बात बोलिए, झूठ नहीं बोला बस. विकास दीप जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग हार्ट आर्मी क्लब. हाँ सर, बहुत कृपा है सर आपकी. थैंक यू सो मच. इतना मेरी क्या कृपा, आप तो मतलब इतना खुद के काम से. जी सर, काम वाम चल रहा है सर. सच बताऊं तो बहुत ही विचित्र विचित्र केस आ रहे हैं यहाँ पे. अच्छा. हाँ, किसी की माँ होने वाली है, मतलब माँ किसी की गर्लफ्रेंड. बहुत परेशान हूँ सर मैं, लेकिन जनता को नहीं दिखाता मैं. ये शहरी विचित्र है, अभी क्या होता है तुमको स्पेंसर? लेकिन बहुत बहुत मजा आता है सर मुझे. बात तो ऐसा है, अभी ये है कि मैंने एक केस अभी हाथ में लिया है. विकासी, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, एक मिनट रुकिएगा. तो उसको सर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना है. और सर उस FIR रिपोर्ट जब कम्प्लीट हो जाएगी तो सर अरेस्ट वारंट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन दी FIR, है ना. अब वो अरेस्ट वारंट अगर डिनाई होता है तो रिटेंशन के लिए मतलब बुला सकते हैं बातचीत करने के लिए, तब अरेस्ट नहीं होगा. लेकिन सर आप एक बार देख लेना प्लीज. ठीक ठीक, मेरे को सबमिट करो. नहीं विकासदीप जी, कैसे
जी सर, बहुत काफी। सर आप एक बात बताओ, एक ही दिन में सिर्फ इतना बोलना है आपसे, फिर बाद में आप रिपोर्ट देख लेना, एक ही दिन में एक पार्टी दो बार रिपोर्ट लिखा चुकी है और तीसरी बार फिर रिपोर्ट लिखाने आती है। अगर हमारा हाँ एक ही पार्टी लाइक ऑलमोस्ट वही सब लोग मिल करके, मतलब ऐसा है, समझ लिए सर, मैं हूँ आप हो, मतलब मैं हूँ आप हो, लग रहा कि एक ही फैमिली हो सकती है अभी, या काइंड ऑफ समझ लीजिए कि मैं हूँ आप हो और हमारे सीनियर ऑफिसर चौंडी जी हैं, राइट। तो हम लोग गए पीडी में रिपोर्ट लिखाने के लिए, एक बार मैंने लिखाया, नेक्स्ट टाइम आपने लिखाया, बढ़िया लिखा रहे हुआ, तो एक ही फैमिली हो सकती है। हाँ सर ऐसे फैमिली है, यस यस सर, हाँ सर, हाँ पता है मेरे को, पता सर उनका शिपिंग बिजनेस भी है, पता नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ अच्छा, बोलते तो है लेकिन देखा नहीं है मैंने भी। सिम्बा सर एक केस है, वो जरा हमें पर्सनल में बात करनी पड़ेगी। अच्छा चलेगा, तो यही है सर। देखिए सर और एक बात है कि तुम करो, देखो अभी मतलब किसी को छूटने नहीं चाहिए, मतलब जो कुछ रहेगा वही सब होना चाहिए। सर एक्सपेक्टेशंस क्या है मालूम है आपको लोगों का, आज ही पकड़ लो, आज ही केस करो, आज ही रफा दफा, अभी जेल खत्म। ये थोड़ा सा फास्ट शेयर उनको कानून कायदे कानून कुछ पता नहीं, इनको चोट लगता है। हाँ। देखिए मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एब्सोल्युटली फाइन, मैं जनरली बात बोलो, इनको चोट लगता है, ये फिर किसी से जाके चोट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद और बार चोट लग जाता है। अरे जो चोट लगते है वही चाकू भी मार सकते हैं। हाँ सर वो भी है सर, तीन तीन बार, लेकिन फिर रिपोर्ट भी यही दिखा रहे हैं, और मुझे मार दिया गया, ओह माय गॉड, अरे क्या रहता है। दो पार्टी है, एक ए है और एक बी है। वेलकम विकासदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, इनको प्यार दिखाओ यार, हैशटैग विकासदीप तो करो कम से कम। बाहर जाके बी ए को मारेगी, ए बी पे केस करेगी, यस यस यस, और ए फिर से बाहर जाके फिर से बी को मारेगी, और बी फिर से केस लिखाने आएगी, और बाहर जाके वापिस ए को मारेगी। वो तो है, मतलब इन सबके बीच में एक्स वाई जेड तो मतलब होते रहते हैं। जी सर। हाँ। और उसके बाद हम लोग उसमें सोचते हैं, फिर सर खजलाना पड़ता है, सर इसी बीच मेरे बाल का कलर भी चेंज हो गया, एक्चुअली हो गया है, तुम क्योंकि सेम टू सेम लग रहे, करना पड़ा सर, कोई बात। तो सर कौन लग रहे, नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ सर वो करना पड़ा, नहीं नहीं वो सिल्वर सर, तो सर देखिए मैं अपने फेलो ऑफिसर की कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो सर मैंने उनके लिए भी चेंज कर लिया, तो ये सारा चीज किया मैंने, तो फिर कल पता लगा कि भाई हर एक सेकंड में कोई ना कोई, और सर ये मारपीट में कुल्हाड़ी कहाँ से आ जाती है। अरे वो करते ना कोई है ना वहाँ पे, वो किसान वो करते क्या बोलते हैं उनको, लंबर जैक वाला है ना, लंबर यार्ड, हाँ वो वहाँ पे काम करते, तो वहाँ से लेके आते शायद से, वहाँ से नहीं ये इधर से लेते, एम्यूनेशन स्टोर। अच्छा एमिनेशन पे एक्स मिल रही, कुल्हाड़ी और नाइफ दो चीज, और ठीक वो मतलब सब सर्रास क्राइम में यूज हो रही है सब कुछ। हाँ सर, अरे लिटरली जिसको देखो वही कुल्हाड़ी चला रहा है, सुनाई दिया। ओके ठीक है, फिर एक काम करो, अच्छा सा स्पेंसर एक रिपोर्ट बनाओ इस रिगार्डिंग, हम पूरे शहर में से वो एक्स ये कर देंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही बंद कर देंगे उनका। फिर सर इन लोग क्या करेंगे, स्पून को लेंगे, उसके ऊपर कपड़ा बनाएंगे, ठीक है, कपड़ा स्पून से मारेंगे सबको, खच 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 खच। हाँ, वो ये वो भी करने को नहीं दिए करेंगे। क्या बताऊँ सर, अरे हमारे पांडे जी है, नहीं वो नहीं, हाँ वो बोल के गए थे ना कल नहीं आएंगे आज। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड कैसा अभी चल रहा है? ठीक चल रहा है सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, अच्छा ही चल रहा है। देख रहा हूं मैं आपके मतलब केसेस एमडीटी सब चेक कर रहा मैं, अच्छा अच्छा प्रोग्रेस। हां सर वही है, खाली मैं ये चाहता हूं कि इतना डिलीशियसली कॉम्प्लिकेटेड जिसको बोलते हैं उसको थोड़ा मतलब, सर एक माँ किसी गर्लफ्रेंड और फिर किसी के नहीं आता, बहुत टेंस्ड है। अभी देखो अभी ऐसे ऐसे इस शहर में रहोगे तो ऐसे एक नहीं सौ सौ केसेस भी आएंगे आपको हैंडल करनी करना पड़ेगा। अच्छी बात है सर, कम से कम कुछ तो आ रहा है। नहीं तो फिर बैठना बैठना ही पड़ता है, गाड़ियां पकड़ो, गाड़ी चलाना रुकाओ, बस इतना ही है।
मैंने भी एकदम नॉर्मल तरीके से जो भी पूछते उसते आंसर देता हूँ, जो नहीं मालूम है सर उसको नहीं बोल सकता, उनको काइंडली इग्नोर करता हूँ। मतलब अभी ये शेयर का मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं कि लोग इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, उनको पट से रिजल्ट चाहिए होता है। हाँ। लेकिन बातचीत करने में आपको बोलेंगे कि नहीं सर अभी हमको जाना है, अभी बाहर ये है हमारा, वो काम चालू है, वो काम चालू है, तो वो हिसाब से तुम देख लेना। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ, लेकिन तुम तुम्हारे लेवल पे समझ लो। ठीक है ठीक है, तो सर कोडोन पे जाते आयो। जी सर एब्सोल्युटली। सर एक बात और है सर, अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। हाँ पड़ेगा तो सही, लेकिन देखो अगर अननेसेसरी है तो चीजें करो, अगर नहीं है तो फिर तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहो ना। विकास जी को प्यार दीजिए गाइस, थैंक यू। ओके देखिए सर अल्टीमेटली अभी तक तो मैं फेस नहीं किया, लेकिन ऐसा होता है अगर राइट तो पहले तो सर हाथ दोनों जोड़ करके बोलूंगा कृपया करके मुझे हेल्प कीजिए मेरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में। वो बोले ना ये सब हमसे नहीं होने वाला, बोले ओके ठीक है फिर आगे देखते हैं क्या करना है। लेट्स सी स्पेंसर इधर देखो, अरे तुम्हारी आईब्रोज को क्या हो गया? ये नहीं है सर, है ही नहीं। नहीं अरे अरे मतलब जन्म से ही नहीं है? नहीं सर बीच में जल गया था मेरा थोड़ा। ओ जी सर, टोस्टर में ब्रेड डाला था। हाँ हाँ देखा तब तक तो भैया बर्न हो गया पूरा ऊपर। ठीक है अगर तुमको मतलब थैंक यू पुनीत, सर्जरी या फिर कुछ कराना डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो मेरे को बोल देना। श्योर सर, ये शहर के डॉक्टर अच्छे हैं, मैं उनकी जांच। थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएट कि आपने एटलीस्ट बोला है एटलीस्ट ये बात। सर एटलीस्ट आपने नोटिस भी किया, लोग तो उतना नोटिस भी नहीं करते क्या बताऊं। अरे मेरा पूरा ध्यान होता है मेरे ऑफिसर्स पे। पब्लिक रिलेशंस टीम भोजन में आइए स्पेंसर जी। बहुत मिस करता हूँ राज, क्या है भोजन बता रहा हूँ, रोटी पनीर दाल तड़का। एक गैराज खुला था कहीं से, वो भी बंद कर दिया। क्यों सर? दिक्कत हो गई थी उनकी। यस भाई बहुत खूबसूरत खाना है गाइस, तो थोड़ा माउथफुल हूँ, थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा। ठीक है कोई फिंगर क्यों निकल आती है हमें। चैट मिस, नहीं नहीं तरुण बोलो, कल वाले केस का क्या हुआ भैया? अभी करना है तरुण, मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जितने भी लोग हैं घनश्याम पंड्या, फिर आपका ये क्या नाम उनका प्रोफेसर और वो सब जो भी है राइट, जब मैं उनको इन्वेस्टिगेशन करूंगा अगर आप लोग देख रहे हो उनको बोलो भैया इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। मजा आएगा। थैंक यू राज, मैं स्टाफ था राज। मुफासा मुफासा हाँ
एक बात बताऊंगा आपको, मेरे पास एक क्लिप आई है, मुझे उस बारे में कुछ बोलना आप लोगों का। एक क्लिप आई है, मैं बताऊंगा। One responding to 67 call plus 2. आ रहा हूँ एक मिनट। 601 direct to Simba sir. What's your 20? You are not 10-2 sir. अभी बता रहा हूँ गाइस, बता रहा हूँ एक क्लिप के बारे में बोल रहा हूँ, रुको। 10-4 sir. You please 76 to 19 एक officer suspend है तो उसके regarding बात। भी बताता हूँ, उस क्लिप में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। अब मैं बताऊंगा गाइस कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Your voice is cracking on the radio. You are not 10-2. I'm responding already. 10-4, sir. अभी नहीं गिरीश, घनश्याम का केस तो करना है। सबसे पहले एक क्लिप आई है मेरे पास में रिमांड लेजेंड के स्ट्रीम से, इधर आ जाओ। किसने किया था 911? सर मैंने किया था और बेला जी ने किया था। लेकिन क्यों सर? ये सर पीड़ अपना एमएस नहीं थी इसलिए, और गाड़ी भी नहीं सर हमारे पास। अगर गाड़ी हम इधर हॉटवेयर करते तो फिर पीड़ हमको फिर से पकड़ने आती। अरे लेकिन डॉक्टर को आपने किया था पहले 311? नहीं है सर, डॉक्टर ही नहीं शहर में। नहीं है सर, मैं खुद ही डरू। ठीक है ठीक है, चलो अभी बहुत ज्यादा ट्रबल में होने वाले थे आप सब लोग। क्या बात करो सर, हमने क्या किया? बहुत अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कल का जो बात है राइट वो बोला गया। ठीक हो निक जी आप? अंतिम सांसें चल रही हैं मेरी जल्दी। ठीक ठीक। बजार में टेंट को। मुझे वो चीजें बतानी है, एक मिनट। सिम्बा कौन है ब्रो? वही लेजेंड। Resuming code 1 plus 2.
पहले कोई मैसेज दिया गया था श्रीमान जब टीम कर रहे थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था क्या क्यों नहीं हो रहा है किसी भी यूनिट से? वो आई एम करंटली टॉकिंग विद, आप लोगों को पता है या नहीं? स्पेंसर आपको नीचे आना पड़ेगा। स्पेंसर बोलो, कल एक मैसेज दिया गया था, कल श्रीमान ने एक मैसेज दिया था। मैं खाली उस चीज को जानना चाह रहा हूँ। अर्गो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर 400 रुपीस सुपर चार्ज के लिए। आपका कहना है कि 8.23 से 10 के जल्दी कर दो वैलो वाइयो एंड एवरीडे लाइक करो। अरे भैया थैंक यू यार, लाइक करो भाई, लाइक करो गाइस, लाइक करो। अर्गो अप्रिशिएटेड 40 रुपीस थ्रू सुपर चैट 8.23 से 10 के जल्दी कर दो वाइयो एंड एवरीडे लाइक करो। हां मुझे मिल गया वो चीज। मुझे हॉस्पिटल बंद है क्या सर? नहीं चालू है क्यों? वो बाकड़ा क्यों अड़वा टाका है उधर? कल वो मैसेज किसी गया था? गिर गया वो गाड़ी के। हाँ और ये महाशय को क्या हुआ है? वो कुछ सोच रहे, गहरी सोच में सोच रहे। आई गर्ल अंदर जाके सोचो, उनको बोलो। तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं मुझे दिक्कत नहीं है सर, मुझे पुलिस से बहुत दिक्कत है। मैं एक जागरूक नागरिक इंसान हूँ तो मुझे लगता है कि नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सर फिन शेल्बी। नहीं क्या नाम है? फिन शेल्बी। फिन शेल्बी यस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। आपका नाम क्या है सर? माय नेम इज डीसीपी कर्नल डीसीपी सिम्बा वालेराव। सिम्बा वालेराव जी आपके जो पार्टी और गन है ना, गन आई सपोर्ट चुम्मेश्वरी है, चुम्मेश्वरी। ठीक है ठीक है, चलो आप मिलते हैं गाइस। यस यस यस। सॉरी सर, थोड़ा दिमाग में था, अपोलॉजीज। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को, कुछ इशू है क्या सर? कोई बात नहीं, मैं अगर आप चाहो तो लाइक वी कैन पुल ओवर इन द पार्किंग एरिया, आप वापस आ जाओ सो करके फट से। हां मैं पीडी पे 19 पी ले रहा हूं। या ओके बताता हूं गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज श्रीमान ने दिया है एंड आई वांट टू एक्चुअली कॉल इट आउट। मुझे वो जो क्लिप आई टाइम स्टैम्प मेरी दिक्कत। हाँ समझ में आ गया सर, मुझे पूरा समझ में आ गया। नहीं अभी हो रहा है, मतलब कुछ समझ रहे हैं तुम? चिपक रहा है सर पीछे। हाँ मालूम मुझे, कोई इशू नहीं सर, होता है कभी कभी, हमारी दुनिया जिंदगी सब ऐसी ही है चिपकने वाली, कुछ करते हैं। आप आइए वैसे पार्क कर, मैं पार्क कर दीजिए और मैं हूँ, कोई इशू नहीं, मैं वेट कर लूँगा। एक काम करो आप ऊपर आ जाओ ऑफिस में। ओके सर आता हूं। करंटली एट द पिंकेज, नियर द पिंकेज। 10-4-8-1 प्लस 1 रिस्पोंडिंग लेटेस्ट 1080 ऑन एक्सप्लोरर यूनिट। सो द इट इज कन्वर्टेड इनटू 11, स्टिल रिक्वेस्टिंग वन यूनिट एडिशनल यूनिट। 10-4-76। उस मैसेज को मैं बोलना चाह रहा हूं बहुत जरूरी से, ओके इस बारे में आपको समझना पड़ेगा।
मुझे वो मिल गया है अपनी टाइम स्टैम 12522। ओके स्क्रीन दिख रहा है गाइस, एनी चांस स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं। कल मुझे जो बात मैं इतने दिनों से कहना चाह रहा था ना, वो कल श्रीमान ने कह दिया। ओके तो इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके इस बात को, ठीक है, अभी यहां पर चैट में बहुत कुछ चल रहा है शायद। ओके और मैंने देखा राइट, यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है चैट में। ओके ठीक है, तो बेसिकली लोगों ने मेरे मेहनत को अंडरमाइन किया। राइट, अंडरमाइन किया मतलब कि मेरी जो मेहनत है वो उन्हें नहीं दिखी, ठीक है। तो वो एक तरीके से एक दिमाग में एक 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 क्या बोलते हैं, एक भ्रम बना करके रखे हैं और इसको मतलब बार बार कह रहे थे और श्रीमान ने वो स्पॉट कर लिया। अब इसको देख, आप इस चीज को सुनना गाइस। ओके इतना बोला, और मैं इसलिए इस चीज को दिखा रहा हूँ बिकॉज जब मेरे पास ये क्लिप आई राइट, मुझे नहीं पता था कि मतलब लाइक यू नो श्रीमान विल एक्चुअली इवन केयर अबाउट इट, और मुझे बोलना पड़ा, मुझे ये चीज बोलना है स्ट्रीम पर, जिससे कि मैं, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि हाउ थैंकफुल आई एम। अब इस बात को सुनिएगा आप, हाँ सुनिएगा। बोला था कि पुलिस वालों को मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं। श्रीमान को देखो और यहाँ चैट पे देखो और सुनना, सुनना आप लोग। लियोन लाइट वर्जन, नाइस वॉइस अनिकेत तलपे। अनिकेत देखो सर, किसी की आवाज जो, की क्लैरिटी थोड़ी सी सेम हो, बहुत ही सोच समझ के निकाली, किसी का हेयर स्टाइल किसी दूसरे के रंग से मेल खाता हो। नहीं बन्ना जी, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरप्ट नहीं कर रहा, नहीं करनी चाहिए दोस्त, मतलब किसी की कॉपी या लाइट वर्जन। सामने वाले का अपमान होता है, सामने वाला क्या मेहनत कर रहा है आप नहीं जानते हो। आप किसी का नाम उस पे चिपका देते हो ना, बुरा लगता है किसी को। उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी क्वालिटी है, पूरी तरीके से पता चल रहा है। उसका आवाज पूरा अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। चैट में डायनामो है, लाइट डायनामो या लाइट लियोन भाई, ऐसा बोलना गलत है। अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा फील होगा? सामने वालों को रिस्पेक्ट देना समझो, अपनी खुद की आइडेंटिटी है उनकी, और खुद का कैरेक्टर है, खुद का कंटेंट है, किसी और की कॉपी नहीं है। बस थोड़ा सा आवाज सिमिलर होने से कॉपी नहीं होती दोस्तों, रिस्पेक्ट देना सीखो सामने वाले। पीछे ले लूंगा, मतलब आप बोलिए वो और उसके बाद चैट क्या करती है वो देखना हुआ है। समझ गए ना राइट? तो जिस तरीके से कल श्रीमान ने मुझे डिफेंड किया राइट, मेरे कुछ चाहने वाले हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला कि यार मैं भी इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि ऐसा क्या बात है। तो आई थिंक कुछ लोगों का जो दिमाग में चल रहा है, प्लीज इतना डिसरिस्पेक्ट मेरी मत करो कि खुद की रिस्पेक्ट खुद ही में खो दो, ठीक है ना। आप लोग छोटे हो मुझसे, बहुत छोटे हो राइट। कुछ लोग यू नो ऑलमोस्ट 20+ में हैं, कुछ लोग उससे यू नो कम एज में हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस, ये मैं सुनने उनने के बाद में बोलता हूँ राइट। आप बताओ क्या हो गया? वेरी बिग थिंग गाइस, ठीक है, क्या हो गया बताओ। और एक मिनट, और मुझे ये चीजें क्या बोलते हैं जी सर, तो कल मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगी राइट। देखो श्रीमान को कल समझ में आ गया कि मेरे ऊपर ऐसा बोला जा रहा है। अल्टीमेटली मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े स्ट्रीमर को एक चीज बात समझ में आई, लेकिन मेरे चैट में जब लोग आके लिखते हैं तो उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। पहले मैं इस चीज को हंसी मजाक में उड़ा देता था मैं राइट, लेकिन जब आज एक स्ट्रीमर ने इस चीज को हाईलाइट कर दिया है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऐसा ना करो। मैं वापस से उस क्लिप को प्ले करता हूँ,
जिन लोगों ने नहीं देखा है उस बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? ये वो टाइम स्टैम्प है। राइट, अनिकेत तलपे सुनिएगा, ये तो आरपी कर रहे थे। हाँ सुनिएगा, चौकी के बाहर इतना बोला था कि पुलिस वालों को मैंने, देखिए मेरी भी आवाज आएगी लेकिन आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा बात को। पोपटलाल को लियोन लाइट वर्जन, नाइस वॉइस। अनिकेत तलपे, अनिकेत देखो सर, किसी की आवाज जो, की क्लैरिटी थोड़ी सी सेम हो, बहुत ही सोच समझ के निकाली, किसी का स्टाइल किसी दूसरे का जो बात मेल खाता हो। नहीं बंडा जी, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए दोस्त, मतलब किसी की कॉपी या लाइट वर्जन। सामने वाले का अपमान होता है, सामने वाला क्या मेहनत कर रहा है आप नहीं जानते हो। आप किसी का नाम उस पे चिपका देते हो ना, बुरा लगता है किसी को। उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी क्वालिटी है, पूरी तरीके से पता चल रहा है। उसका आवाज पूरा अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। चैट में डायनामो है, लाइट डायनामो या लाइट लियोन भाई, ऐसा बोलना गलत है। अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा फील होगा? सामने वालों को रिस्पेक्ट देना समझो, अपनी खुद की आइडेंटिटी है उनकी, और खुद का कैरेक्टर है, खुद का कंटेंट है, किसी और की कॉपी नहीं हो। बस थोड़ा सा आवाज सिमिलर होने से कॉपी नहीं होती दोस्तों, रिस्पेक्ट देना सीखो सामने वाले। तो मैं केस पीछे ले लूंगा, मतलब आप बोलिए वो इंसान कितना, आप समझे? मैं किसी की, मेरा वॉइस किसी से ऐसा होता है, ये होता है, मैं इस बात से खफा नहीं हूं। मैं इस बात से खफा हूं कि भाई कि am I trying to fight my identity? इस YouTube के असंख्य महासागर में क्या लड़ रहा हूं अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये हूं, मैं ये हूं? नो, पता नहीं क्यों। तो मैं इस बात को जरूर लिखूंगा, मैं इनको, मैं इस पर अपडेट दूंगा, और एक 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 छोटा सा वीडियो भी मैं इस पर बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो एक बना दूंगा, एंड आई विल मेंशन इट राइट कि हाउ श्रीमान डिफेंडेड मी। ओके, ही डिफेंड्स, आई हैव नो डाउट राइट, बट आई थिंक यू नो ही हैज लिटरली टेकन आउट टाइम टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू श्रीमान। ओके, एंड ये बहुत दिन से हो रहा है मेरे साथ, राइट, एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट इट। मेरे मुंह में भी जबान है, मैं भी उल्टा उल्टा बोल सकता हूं, लेकिन मैंने बोला नहीं। ठीक है, नहीं बोला मैंने, मैं टॉलरेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर जबान नहीं है। प्लीज इस बात को समझिए, मैं बहुत दिल से इस चीज को करता हूं। ओके, लोग और मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने आज तक, अगर समझ लो कोई भी अगर वॉइस चेंजर लगा कर, कल अगर समझ लो कि हमारी इतने अच्छे यू नो आरपी प्लेयर थे, बहुत मस्ती करते थे हम लोग, मुलायम चौबे जी, ओके, रशकिन पोटेटोस, अगर उनका आई मीन कोई आवाज़ कॉपी करके राज, अगर तो मैं बोलूंगा कि भाई आप रशकिन पोटेटोस हो? अच्छा, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं बोलूंगा मैं, कभी नहीं बोलूंगा। ये मैं हूँ, हालांकि चैट पे हूँ तो कभी कभी मेरे लिए बहुत ज़रूरत बनता है कि इस बारे में बोलूँ मैं, राइट। रमन जी मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, जिससे कि मालूम हो, जिससे कि श्रीमान को ही पता लगे ये चीज़ कि राइट यू नो दिस मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, ऐसा ही नहीं है ये चीज़, ये ऐसी ही नहीं है बातें, ये बातें मैटर करती हैं मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि पहली बार किसी एक बड़े स्ट्रीमर ने राइट अपना समय निकाल करके उसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किया, ना कि अपना बायसनेस दिखाते हुए, हाँ भाई उसको मैं जानता हूँ तो उसको अच्छा बोलूंगा, इसको मैं दिखा दूंगा नीचा, राइट, अपने अल्फाज को यूज करके, उनके गॉड फॉरबिड क्या बोलते हैं सीक्रेट जो डिक्शनरी बना करके रखी है उन्होंने, राइट, बहुत ही इंटेलेक्ट डिक्शनरी बना के रखी है, मैंने देखा है, राइट, हंसी मजाक किया तेल लेने के लिए, वेरी सिंपल मैं बता रहा हूँ।
जब मुझे ये क्लिप मिला ना, मैं कुछ बोला नहीं उस वक्त, मैं बोला कि ठीक है यार, मैं क्या कहूँ, इस पर कुछ रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे बोलना चाहिए इस बारे में, एक बार तो मुझे बोलना ही होगा। इस पर वीडियो बनाता हूँ मैं, देखिए छोटी सी वीडियो एक दो मिनट की बना दूंगा मैं, राइट, एंड आई विल से दैट यू नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट अनदर फेलो स्ट्रीमर। दिस गोज टू शो दैट हाउ बिग हार्ट ही हैज, ठीक है, श्रीमान के पास बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। मेरे पास और भी बड़े स्ट्रीमर्स हैं जिनसे मेरी आरपी इंट्रैक्शन हुई है, राइट, लेकिन ये डिटेल लेवल में जाकर के बात करना, राइट, अबाउट मी स्पेसिफिकली, अबाउट माय कंटेंट, अबाउट यू नो व्हाटएवर आई एम डूइंग, राइट, उसके लिए इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर मैंने इतना किया है तो आई थिंक ये मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इस बारे में, एक दो मिनट की बनाऊंगा, एंड आई विल एक्चुअली यू नो पुट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट मैं इस चीज़ को बहुत कैंडिडली बोल रहा हूँ कि श्रीमान का एक तरीके से एक फेलो स्ट्रीमर को डिफेंड करना, राइट, बहुत बड़ी बात है, इट हेल्प्स, ओके। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं उनके लिए स्वीट टॉक करके उनके बारे में अच्छा बोल करके मुझे कुछ मिल जाएगा। जेंटलमैन, मैं अकेला आया हूँ, अकेला कमाऊंगा और अकेला जाऊंगा, मैं इस बारे में जानता हूँ सब कुछ, है ना। आई एम इन्फॉर्म्ड इंटेलेक्ट इंडिविजुअल, राइट, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे पता है मेरी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे हंसना और रोना मेरे कंट्रोल में है। मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई अब मैं हंस सकता हूँ और अब मैं रो सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, राइट, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब कोई इंसान आपके लिए कुछ बोलता है और वो मैटर करता है, तो उसके लिए आप समय निकाल करके जरूर एक अच्छी बात बोलो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दो मिनट का इस बारे में मैं बोलूं जरूर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिन से मेरे साथ हो रहा है, किसी ने नहीं, किसी को नहीं किया, मैं चैट में जब चीज को देख लिया, राइट, चैट में लिख दिया, राइट, यहाँ पे देखो इन्होंने लिख दिया, दैट इज फाइन, राइट, फिर देखो इससे क्या होता है कि यू इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल, है ना। अगर मैं किसी स्ट्रीमर के चैट में जाता हूँ, राइट, और मैं अगर उस स्ट्रीमर का मैं जाके बेइज्जती करता हूँ, राइट, और मेरे साथ चैट भी अगर बेइज्जती करती है, तो उसको फन वे में नहीं, मैंने बेइज्जती कर दी, हाँ भाई तू क्या करता है, तो ऐसा है, तो ये करता है, वो करता, कहीं ना कहीं उसके चैट को इन्फ्लुएंस कर दिया, है ना। ऐसे चैट इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। आप किसी के बगल में बैठे हो, उसको बोलते हो अरे भाई आदमी खराब है, 10-15 बार 20 बार बोलोगे ना, जिसको आप बोल रहे हो वो भी समझेगा शायद खराब ही है, तभी बोल रहा है इसके बारे में, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो इट इज लिए थैंक यू भाई, जिसने भी मुझे लिंक दिया उसके लिए बहुत थैंक यू, ओके, ये टाइम स्टैम्प तो मेरे पास है, राइट, एंड आई मस्ट से कि इट इज रख लिया मैंने, ये चीज करूँगा वीडियो रिकॉर्ड करके। थैंक यू श्रीमान अगेन फॉर एवरीथिंग मैन, आई रियली अप्रिशिएट योर इनपुट्स, योर डिफेंस, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने इतना टाइम निकाला, और कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होगी किसी के बीच में, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर या फिर किसी के भी, बहुत बहुत थैंक यू, ज्यादा नोटिस किया ये कि उसके बीच में आप बात करो। 76 to 19 + 2 मैंने उन लोगों को क्या है भाई, उन लोगों को अपना खाली वो निकालना है, राइट, ठीक है। और मैं लिटरली बताता हूँ, मैंने ये चीज़ शायद मैंने आई थिंक शायद श्रीमान लेजेंड ही वो है जिसने इस परिक्लो चीज़ पर खड़ा होकर के और बात बोला है। दूसरे हैं कुछ लोग यू नो है जो मैनेजर में हैं, उनको क्या है, उनको तो बस मस्ती लेना है, समझ रहे हो, अपना आपको अच्छा दिखाने के लिए, अपनी दोस्ती दिखाने के लिए मुझे खराब बोल करके उसको अच्छा बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं उन लोग, मुझे पता है बात। मेरे ऊपर बहुत पर्सनल अटैक्स होते हैं भाई, बहुत पर्सनल अटैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक्स होते हैं, मुझे तकलीफ होती है लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उस बारे में, राइट। तो बस बहुत हो गया, जिस दिन मेरी जबान का लगाम खुल गया ना, उस दिन बहुत बर्बाद होंगे लोग, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत गाली पड़ेगी, बहुत गाली पड़ेगी, कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं लग रहा है मेरे को, बहुत गाली पड़, ये
खड़े रहने की तुम्हारी ये क्या है, मतलब देखो कैसे खड़े रह रहे हो। मैंने कल एक घंटा ऑलमोस्ट आरपी दी राइट, उस एक घंटा आरपी के अंदर आप देखो सब लोगों ने नजरें जमा करके पूरा आंख गड़ा करके मतलब आई मीन काम किया राइट, तो कुछ तो था भाई, ऐसी थोड़ी किया राइट, इतना मैंने वो चीज किया, इतना सब कुछ किया राइट, लोगों को समझना पड़ेगा ना, है ना राइट, इतना बड़ा बात है ना, वो तो मालूम है, मैं तो चिल्ली हूँ। और ये तो पॉइंट ऐसा है कि ऋषि की आपको समझना पड़ेगा, इट इज इम्पोर्टेंट दैट कि लोग समझे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इट वाज इम्पोर्टेंट कि भाई मैं ये बात को बोलूं राइट, ये बात को बोलूं। कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से पब्लिकली उन्होंने मुझे डिफेंड किया है उसी प्रकार से पब्लिकली उन्हें थैंक यू भी बोलूंगा। ओके मेरे अंदर है भाई, मैं ऐसे ही करता हूं, बहुत लोगों को सपोर्ट किया है ठीक है, बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं, नो मैटर मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं मैं लोगों को ठीक है, और मेरी अच्छाई का लोगों ने फायदा भी उठाते हैं, जब उन्हें काम होता है तो मुझे बुलाते हैं, जब उन्हें काम नहीं होता है तो मुझे नहीं बुलाते हैं। आपने देखा होगा चैट में ये चीज ये होते हुए, तो बात ऐसा है कि लेकिन मैं फिर भी ऑफेंस नहीं लेता, मैं बोलता हूँ ठीक है यार इट्स ओके भाई, नहीं भाई लोग क्या इशू है क्या इशू है, लेकिन जब चीजें हद से गुजरती हैं और सुनने में आती है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, बोलो ओ ये क्या हो रहा है भाई, आई हैव टू टेक अ स्टैंड, अगर मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो गलत हो जाएगा, वही बोल रहा हूँ यार। और याद रखो मेरी स्ट्रगलिंग डेज में अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं भूलता नहीं हूँ उस चीज को। लेकिन तुम पीडी के यूनिफॉर्म पे तुम, मैंने बोला है ना तुम्हारा घर दार सब दो, सही बात बोल रहे हो, 40 रुपए में रिप्लाई नहीं मिलता। देखो भाई एक्चुअली मैं आज बहुत एक क्लियर बात बोल रहा हूँ, जहां तक की सुपर चैट की बात है मैं बहुत साफ साफ बात बोलता हूँ ओके, सुपर चैट्स का मैं एक बात बोलता हूँ ओके, ध्यान से सुनना ओके, मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर भी नहीं मानता, मैं अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं जहां पर मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोल सकूं, टैग लगाने से सिर्फ ये हो सकता है कि हाँ मेरा ये एम है बनना राइट, टैग लगाने से एम है बनना है ना, दूसरी बात यह है कि लेकिन मैं कंटेंट क्रिएटर का टैग नहीं लगाता, मैं कोशिश करता हूं कि भाई मैं उस चीज को बनूं राइट, मैं उस चीज को ट्राई करूं उस पर गन करूं, 10-12 घंटे की नौकरी होती है उसके बाद जो समय मिलता है उसमें डाल देता हूं मैं, तो मुश्किल से 3-4 घंटे की सोना है राइट, अभी भी एज है तो खींच ले रहा हूं, जिस दिन बुढ़ा हो जाऊंगा उस दिन नहीं कर पाऊंगा, कभी ना कभी तो अगर 100 के टच किया तो ये फेस भी चेहरा भी आपके सामने आएगा है ना, तो अगर मुझे जल्दी देखना है तो फटाफट वही काम कर दो। नहीं भाई ऐसा नहीं है गौरव छाबरा, आप कल भी पूछ रहे थे इस बारे में मुझसे, मेरा सिर्फ BMA 800 है और क्या बोलते हैं फैंटम पावर और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है एकदम, और ना ही मैं वॉइस मीटर यूज़ करता हूँ, कुछ भी नहीं यूज़ करता, ना वॉइस मीटर है ना फैंटम पावर है ना कुछ है ना कोई साउंड कार्ड है, नथिंग, जस्ट BMA 800 है और कुछ नहीं, दैट्स व्हाट इट इज। देखिए जब आप, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप अपने घर को साउंड प्रूफ कीजिए, दैट्स इट, उसमें पैसे इस्तेमाल कीजिए, उसमें पैसे लगाइए, साउंड प्रूफ हो जाएगा राइट, और आपकी जो नेचुरल आवाज़ है उसी में रहिए, लोग आपको उस नेचुरल आवाज़ के लिए पसंद करेंगे, याद रखिएगा कभी कुछ और मत बन जाइएगा, बहुत मुश्किल होता है ठीक है, आपसे बता के रखा उस बात को। नहीं नहीं यूज नहीं, नहीं नहीं चाहिए मुझे, और क्वालिटी नहीं चाहिए। अब कितनी गाइज आपको लगता है कि मेरी वॉइस इतनी खराब है कि मुझे फैंटम पावर V8 साउंड कार्ड और ये सब चाहिए, आप ही लोग डिसाइड करो, आप ही लोग डिसाइड करो।
और इस 40 रुपीस के बारे में बात कर रहा हूँ गिरीश, हाँ एक मिनट बोलता हूँ मैं। तो बस वही है गाइस, तो बस वही है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि भाई देखो मेरी जो नेचुरल वॉइस है गौरव जी, मैं उसी पर रहना चाहूंगा क्योंकि लोग इसी को प्यार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। हो सकता है कल मैं शोर का माइक लूं, हो सकता है कल मैं रोड का माइक लूं या और बेटर माइक लूं, जब भी करूंगा तो मैं बता दूंगा, राइट। अदर पीपल आर अवेयर ऑफ इट। हाँ, जहां तक कि मैं अब 40 रुपीस के सुपर चैट की बात कर रहा था गिरीश, पता है आपको जब मुझे कोई सुपर चैट करता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ ये देख करके कि हाँ भाई पैसे तो आए, राइट, सच्ची बात बोलता हूँ। लेकिन उस बंदे ने मेरे ऊपर बिलीव किया, कि हाँ भाई मैं सुपर चैट करके भाई को लिखूंगा मैसेज, ठीक है। मुझे याद है कि मैं डायनो की चैट पे भी गया था, राइट, मैंने 200 रुपए का उसके सुपर चैट किया था, मैंने लिखा था कि हाँ ऐसा 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 ये है वो है। डायनो ने मुझे बोला अरे भाई आपको सुपर चैट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल रीड इट। हाँ, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा जिससे कोई एक बार पढ़े, लेकिन वो जानते हैं, राइट। तो ये हम्बलनेस होना इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। जीरो से आप कुछ बनते हो, जीरो से याद रखो। लेकिन पॉइंट ऐसा होता है कि इस असंख्य महासागर ऑफ यूट्यूब लोग चेंज होते रहते हैं ना, नए नए क्रिएटर्स आते रहते हैं, तो वो डिफरेंस होता रहता है। तो मैं समझता हूँ, राइट, एंड आई एम कम्प्लीटली अग्रीइंग कि द फैक्ट कि हाँ भाई कोई कोई लोग रिप्लाई नहीं करते। इन गिरीश जी, यहीं पर डिफरेंस आता है कि आप किस यूट्यूबर को चुनते हो, राइट, यही डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि 40 रुपए का सुपर चैट पढ़ करके उसको रिप्लाई करना चाहिए, राइट, ये आपके पर्सपेक्टिव से सही है, राइट। प्रोबेबली शायद मेरे पर्सपेक्टिव से भी सही है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ भाई कोई भी अगर सुपर चैट करता है उसको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसने अपने हार्ड अर्न मनी सपोर्ट किया है आपको चैनल को, राइट। सो थैंक यू जरूर बोलो, दैट्स व्हाट आई वांट। लेकिन हाँ, किस तरीके का थैंक यू हो, कितना बड़ा थैंक यू हो, ये पैमाना हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, वो क्रिएटर ही करेगा जैसे उसको तरीके का करना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट इज, ओके। बस वही है, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, सभी लोग साथ में रहिए। बहुत भयंकर आरपी होने वाली है क्योंकि अभी मुझे वो MDT पूरी बनानी है। आर्थर आया नहीं है, पता नहीं कहाँ आर्थर आने वाला था, मुझे मैसेज किया कि लेट नाइट ज्वाइन करूंगा मैं। बस वही सब है, और वो चीज हो करके देखो अभी घनश्याम को भी आरपी मिलनी चाहिए। मैंने इतना आरपी कल दिया, कल कितने लोगों को आरपी मिलने दिया, उपास जी थे पढ़ने वाला, फिर आपका उनका नाम क्या था, प्रोफेसर रुक्मणी जी के पढ़ने छोड़े जी, ये सब लोग को आरपी मिला। मेरे बगल में जोरिक था उनको मिला, सोंटी जावे था उनको मिला, राइट, ये सब लोग थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिसिंग एनीबॉडी एल्स, 5 को, कैन यू बीट दैट। मैंने कहा 5 लोगों को आरपी दी है गाइस, 5 लोगों को लाइक मारो, लाइक मारो सबसे पहले, 64 लाइक्स पे अटका हुआ हूं, लाइक मारो प्लीज। बहुत कुछ मिस हो गया यार ऋषिकेश, क्या ही बोलो। तो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, बाय द वे। हेलो मैम, कैसे हो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हो? मैं गुड हूँ, आप बताइए, हाउ इज एवरीथिंग? नॉट गुड सर। क्या हो गया मैम, आप इतनी उदास क्यों हो, डांट पड़ी है? सिम्बा सर ने डांटा। कोई बात नहीं, डांटना तो तरक्की की सीढ़ी है। जब से आई हूँ आज तो मैं डांटी पे डांट, डांट पे डांट, डांट पे डांट। कोई बात नहीं, उसको खाना समझ के खा लो, बस हो गया। खाना नहीं है ना सर, वो खाना होता तो खा लेती मैं। चिपका हुआ है क्या शरीर से, इतनी सारी बातें? क्या इतनी सारी बातें शरीर से चिपकी हुई है क्या, जो आपको बोला गया है? एक के वजह से, एक सस्पेक्ट मतलब घनश्याम के साथ थोड़ा सा गई थी पैसे देने के लिए ऑन ड्यूटी, तो उसकी वजह से डांटा। बंडे मामा से बात की, वो भाई है उनसे भी डांट पड़ी अभी। ऑफिसर के सामने गाड़ी चोरी होती फिर भी ऑफिसर कुछ नहीं करती, बता रहा हूँ। तो वो भी मुझे इसके वजह से डांटा, तुम कुछ नहीं करना था मुझे, वहाँ पे मुझे बस खड़े रहना था। अच्छा देखो मैं कुछ बात बोलता हूँ, बहुत छोटे में बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप डांट खान, डांट नहीं है ये सब चीज़,
वो बस चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने सिर्फ स्कोल्ड किया, निकाला नहीं है आपको, निकाल दिया क्या कि बाय बाय? निकल नहीं दिया, बस वार्निंग दिया। अभी तो ये लास्ट और बेस्ट वार्निंग। वो ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, वार्निंग वार्निंग बना किस लिए आप ही बताओ ना। जब फायर वर्ड बना हुआ है डिक्शनरी में तो वार्निंग वार्निंग बनाने का क्या जरूरत था? वार्निंग दे रहा हूँ, ये है स्ट्राइक है, ये है। क्यों भैया, सिटी में रह करके लोगों से काम करवाना है, ठीक है, पुलिस की जरूरत है, खुद जाएंगे क्या पकड़ने के लिए? वही थैंक यू आरको फॉर योर 40 रुपीज के सुपर चैट के लिए। आपका कहना है कि लियो लियो भाई, लोग लाइक कर दो, दिल कुछ कर दो एंड हार्ट हार्ट। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच आरको फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर द 40। सिंसियर, बिजली ना हंसेगी ना रोएगी, लो ओनली फोकस ऑन वर्क। थैंक यू, यू अप्रिशिएटेड 40 रुपीज, थैंक यू। मजाक ना मस्ती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल दिल। मैं ये बोल रहा हूँ कि करते हैं ऐसा, आप मत करो, थोड़ा स्ट्रेस मतलब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस में हो। I don't know why. कॉल दे रहा है बहुत देर से, मैं दिमाग से उतर से जाइए ना फ्रंट पे, ये वहाँ पे। अच्छा निकेत सिंह राजपूत, हेलो। आज एक और मेंबर मिला गाइस, उनको बहुत प्यार मेरा, विकास दीप जी बहुत बहुत थैंक यू मेंबर बनने के लिए। 159 की मेंबरशिप है गाइस, आप सभी लोग मुझसे ले सकते हो मेंबरशिप, लो आप लोग। उसको 159 रुपीस मत देखो, उसको 30 से डिवाइड करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको पर डे मुझे आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? 5 3s are 15, ऑलमोस्ट लाइक यू नो 5.5 रुपए के आसपास आपका पर डे बन रहा है, दैट्स इट। उससे मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, आई विल बी एबल टू डू थिंग्स। भाई इतनी सारी चीजें चला रहा हूँ, क्वालिटी आरती कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, राइट, सपोर्ट मिलता है उसमें यार, तभी तो अपग्रेड करूंगा स्ट्रीम्स को, कैसे करूंगा, राइट सर? चलिए पड़ोन पे चलते। अच्छी अच्छी आइए, पता नहीं कौन सी पार्किंग भी पता। हेलो वेलकम टू स्ट्रीम, ये कहां चले, इन्होंने मुझे कॉल दिया, वही गाइस। आइए पुशिंग ऑफिसर स्पेंसर जोन्स बैक 10-8। डू वी हैव आर्थर अवेलेबल ऑन द डिस्पैच? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जान दो। थैंक यू सो मच अर्को फॉर योर हार्ट आर्मी क्लब मेंबरशिप गाइस, आज हमने सेकंड मेंबरशिप कमा लिया है फ्रॉम अर्को, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अर्को, अर्को थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, राइट, ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो अर्को, थैंक यू मैन, थैंक यू मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई, बहुत सपोर्ट मिला इसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। डिस्कॉर्ड पर यूट्यूब मेंबरशिप याद है ना, ऐड करना, ठीक है, ठीक है, बक्स दिया हुआ है स्पॉन्सर गेम्स में, आ जाना चुपचाप से, समझ गए? थैंक यू अर्को, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई, दिस मीन्स अ लॉट, इट हेल्प्स। दिल यू भाई बहिपार, अरे दिल यू बहिपार बोल दिया भाई। सर कैसे हो, आए थे आप डे में आज? आज डे में नहीं आया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया, आज एक्चुअली थोड़ा बाहर जाना था, थोड़ा बहुत इधर उधर यू नो, थोड़ा घर से बाहर निकला कुछ काम के लिए, बारिश हुई, ये हुआ पूरा, क्या बोलूं, आज क्या बारिश हो रही थी कहीं कहीं जगह पे, बिजली नहीं ना कड़की, नहीं बिजली नहीं कड़की, बादल गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे बस जी, बस वही हाल है। आप बताइए बिजली, देखिए आप बहुत स्वीट हो समझे, आप सब लोगों का बात सुन लेते हो, लेकिन गुस्सा भी उतना ही करते हो। इन पॉइंट के साथ जब आपको कोई सिखाने आता है, आपको सीखना नहीं है,
आप बोलते हो अरे कौन इतना माथा पच्ची करेगा, है ना? ऐसा ऐसा फीलिंग है, गलत हो ही सकते हैं, उसमें क्या है, दूसरे की जीभ है। हंसने से और ऐसे बात करने से थोड़ी है ऐसे कि मुझे कुछ सीखना नहीं। लो भाई, मैंने कब बोला कि आप आगे हंसने बातें, मैं होता कौन हूँ ऐसा जज करने वाला। मैं बोल रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन पता नहीं आप लाइक ऐसे आपको कोई कुछ बोल देता है ना, ये करो करो, अरे क्या इसको। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं अपने साथ में मिल करके, राइट? बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी जैसे कि वो कोड वन पे है, राइट? वी आर जस्ट पेट्रोलिंग, राइट? हमको क्या जरूरत है लीजन स्क्वायर के पास में खाली पेट्रोल करेंगे? हम लोग पेट्रोल करना है तो ऐसे करेंगे, इसको बोलते हैं पेट्रोल, ये पेट्रोल है, राइट? 20 से 30 का ऐसे स्पीड हो, राइट? और उसमें आप ऐसे लाइक क्या बोलते हैं, इतना इतना धीरे चलते हो और ऐसे ऐसे पेट्रोल करो, दैट्स इट। ऐसे ही होता है, या आप गाड़ी कहीं खड़ा करके रखे हो और हाईवे पे तेजी से गाड़ी निकला तो आप उनके पीछे पीछे चले गए, दैट्स हाउ इट इज। अनिकेत सिंह राजपूत वेलकम, थैंक यू मैन, थैंक यू, थैंक यू श्वेता, थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू अर्को, थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई, थैंक यू। क्या बात है, 2 months की मेंबरशिप, क्या हुआ क्या हुआ? लास्ट 2 साल से आपके साथ हूँ सर, लॉट्स ऑफ लव सर, बस वेरी बेटी को ध्यान मत दो, बेटी बस बेटी को ध्यान मत दो, क्या मत समझा नहीं मैं, अरे मैं क्या लिखें, बी बी टी वाई नहीं समझ में आया। हेलो गौतम, क्या हाल चाल है आपके, नमस्कार भाई, वेलकम। आज हमने 2 मेंबरशिप कमाए हैं गाइस, रिस्पांस कर रहे हैं क्या, करना है तो करो, अगर खाली है तो बोलो, रिस्पॉन्ड करेंगे, मार्क कर दो, बोल दो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोल दो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एनीवन रेस्पोंडिंग टू 67 गोरिन सिटी 32, ये करो क्या 1032 67 पर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 67 नहीं था ये, 32 था, 67 था, 67 ही, जल्दी बोलो। 19 परफॉर्मिंग 67 प्लस 1 रेस्पोंडिंग, रेस्पोंडिंग 104 1 code 1 यार, ये परफॉर्मर्स रिस्पॉन्ड, मारो गोली इसको कहीं पे भी, आ गया ना, आ गया गुस्सा आपका, पेशेंस लेवल 0। देखिए मैं गलत तो नहीं बोला ना, वही बात बोला जो है, वो देखो देखो सामने देखो, अरे देवा रे देवा, ये ना एड्रेस 601 Pull over, please. Sir, pull over to freeze. No, right to pull over. तुम इसके ऊपर रिस्पांस दो। मुझे बताओगे वैसे करो। इंजन बंद कीजिए। सर, इंजन बंद कीजिए। कर लिया, कर लिया। Okay. को ऐसे बोलो ना 819 नहीं अभी कॉल पे क्या रिस्पोंड दूं, ध्यान से सुनना, मैं बोल देता हूं उसको, आप जाओ और 1011 करो, दिस प्रोविजनल ऑफिसर स्पेंसर जोन्स करंटली एट ईस्ट बाउंड एट लापुर द फ्रीवे परफॉर्मिंग एट 1011 ऑन अ क्लासिक विंटेज मॉडल कार, सिंगल ऑक्यूपेंट आइडेंटिफाइड, नो एडिशनल्स रिक्वायर्ड, पॉसिबल अबाउट 1067 बिजली जी, मेक श्योर उसे सब कुछ चेक करना है, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक करना है। अभी वहाँ से भागते हुए देखे हम लोग उसको, ये बात याद रखिएगा। अभी आया ना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, अभी आए तो आपको हेल्प
बोल सकते थे ना आपको ये गाड़ी चोरी करने की क्या जरूरत थी। नेगेटिविटी। अच्छा यस यस राजकुमार जी थैंक यू मैन थैंक यू भाई मजा में कैसे हो तुम। बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा वेलकम टू द स्ट्रीम। भूल गया कैसे ऐड करूं इंटीग्रेशन में जाकर के यार को इंटीग्रेशन मगर है तो ऑलरेडी मिल जाएगा। सर आपके दोस्त का नाम क्या है? अरे उसका नाम है घनश्याम। घनश्याम ये गाड़ी तो घनश्याम के नाम पे नहीं है ये तो गाड़ी मार्टिन के नाम पे है और ये देके गया ना देके गया आपके पास ना मतलब लाइसेंस है ना कुछ भी सर है आपको फाइन गाड़ी का और चोरी का के लिए आपको फाइन लगेगा क्योंकि ना ये गाड़ी घनश्याम के नाम है ना कुछ ये मार्टिन फ्लाई के नाम पे उसने आपको दी दी तो आपके पास उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए था ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फर्स्ट राइड तो सर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो आपको वो आपको सर ड्राइविंग देखते रहना गाइस बहुत मजा आएगा सर इनका क्लीन रिकॉर्ड है और ये गाड़ी उनकी नहीं है तो फाइन कितना दे दे और वार्निंग दे रही हूँ और ये न्यू है सिटी में एक मिनट देना प्लीज ये फाइन चार्जेस कहाँ से मिलते हैं सर अपने देखता हूँ एक मिनट रुकिए प्लीज गाड़ी उनकी नहीं है एक मिनट रुक जाइए सर बस अगर गाड़ी इनकी नहीं है तो चोरी का ही फाइन इनके ऊपर लगेगा जीटीए का 900 हाँ सर 900 लगा दूं है और गाड़ी उनको लेने के लिए बोलूं या मतलब इंपाउंड कर दूं इसको और उनको हम कहीं पे छोड़ दे सा वो कब आए क्या उनका सीन क्या है कब आए अभी जस्ट लैंडिंग हुई है उनकी सर बोल रहे हो दिल्ली से और फिर क्या हुआ फिर आगे का सीन उनके पास बस आईडी कार्ड है सर ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना कुछ भी है और वो बोल रहे हैं कि घनश्याम मेरा दोस्त है उनसे मिलने आए हैं दुबई से और ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल गए बोलेंगे कि हम नए ले लेंगे अभी यहाँ पे ना घनश्याम के नाम पे वो गाड़ी है सर कुछ भी नहीं है तो क्या करें अभी देखो हमें काम कर सकते हैं फाइन लगा दे। देखो हमें काम कर सकते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो सर ये गाड़ी नहीं चलाएंगे सर हम लोग फाइन करेंगे और इनको फिर इनको ड्राइविंग डीएमवी तक छोड़ सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो चलेगा ओके कौन से सर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हम वहां तक आपको छोड़ देंगे गाड़ी आपकी नहीं और आपको फाइन लगेगा 900 सर सभी लोग लाइक करो गाइस आपका पेपर आईडी बताइए
बिजली जी फाइन को थोड़ा कम कर दीजिए, उनको तुरंत बोलिए बैठने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं सीधा डीएमवी जा जाता हूँ, वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। आ जाइए साइड में बैठिए। ठीक है चलिए बैठ जाइए सर। लीथल है कोई आपके पास? एक्सक्यूज मी पूछ रहा हूँ आपसे गाड़ी में बैठने से पहले, क्या होगा सर? लीथल है क्या कोई आपके पास में? ये गाड़ी इंपाउंड कर दूं सर? अभी रुकिए। हाँ कोई लीथल वीथल है क्या आपके पास? कोई झूड़ी चाकू हथौड़ा हथियार ये सब रखे हो? ओके बैठ जाओ बैठ जाओ, इंपाउंड कर दीजिए वाला। वेलकम धर्मेश, मैं अभी अभी दुबई से आया। मरवन पठान श्याम नाम का कोई बंदा उधर था, उसने मुझे ये गाड़ी दे दी, बोला ये गाड़ी अपनी है चला ले। ठीक है देख लेता हूँ। ऐसे किसी के हाथ से गाड़ी लेकर चलाना कानूनी जुर्म है सर? देखिए सर, नहीं 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 नहीं, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूँ आपसे। आपने अगर इतना कस्टम वस्टम सब कुछ मतलब क्लियरेंस देकर के अगर फ्लाइट से होकर के आए हो तो आपको पता है प्रोसीजर्स क्या क्या है? कहीं भी आप ऐसे गाड़ी कोई भी दे देगा आप उसको उठा के नहीं चलाने लगोगे ना शहर के अंदर? किसी की जान चली जाएगी तो कौन देखेगा? मतलब मेरे जो कहने का मतलब क्या है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब ये है कि भाई सर आपके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नथिंग। अरे इधर कोई मरा पड़ा है, मरा पड़ा है। देखो भाई ये भगवान, वेट सर वेट सर, बहुत हो गए सचिन टिटकुले भाई। देव जल्दी से गाड़ी में डालो इनको, जल्दी से गाड़ी में डालो, वहां पे इनको ड्राइविंग स्कूल में छोड़ करके फिर इनको लेकर के आते हैं। यस सर, बोल दो कि नारायण उनको रिस्पोंड कर दिया मैंने लेटेस्ट। क्या क्या यार सर, आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है। डोंट वरी सर। 819 लेटेस्ट 911 रिस्पोंडिंग प्लस 1 थैंक यू। सर ड्राइविंग स्कूल यही है? अच्छा यही है? नहीं सर आई थिंक ये नहीं है, यही यही है। थैंक यू। यही है क्या? थैंक यू थैंक यू। अंदर में है देख लीजिएगा। मुझे पता नहीं हुआ क्या बोलेगा पुलिस वाले, नहीं पता। किसको ले ज्यादा बोल मत। अरे लाइसेंस निकल है कि नहीं? जब हम किसी पेशेंट को लेके जाते हैं सर 16 तो उसको क्या बोलते हैं हम? कांटी हैं क्या बोलते क्या है मतलब? अभी रुको इंटरनेट पे ले 37 लेते हैं ना कि मैन डाउन, खाली इतना बोल देना कि सिविलियन इज डाउन, सिंपल है, बोलने की क्या जरूरत है? अरे नहीं सर वो अलग ही बोलते। हो गया सर? हां सॉरी टू इंटरप्ट यू बट बोले आप कैसे हो? वेलकम टू स्ट्रीम। सॉरी सॉरी हम गोरी से प्यार करेंगे, पूरी चुपकी बातें यार करेंगे। लास्ट इज 911 बोलो द लास्ट 911 इज नाउ कोड 4 कोड 4 ना एंड रिज्यूमिंग कोड 1 बोलो 76 टू 19 थोड़ा 19 चलते हैं, इसमें तेल वेल भी नहीं मतलब? है अरे मतलब भाई हमारे पीडी और क्या तेल वेल भी नहीं है इसमें, पता नहीं क्या सीन करना। बहुत जल्दी अरे सर मैं भर देती ना, मैंने गैस कैन लिया। बिना बंद भरे, बिना बंद किए कुछ मत भरना। भर रहे हो क्या आप? जी ऑफ करके भर। भर लो भर लो भर लो भर लो भर लो।
हुआ भर दिया, भर रहे हो, बढ़िया, वेरी नाइस यार धर्मेश गेमिंग पे। गाइस सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना, ऑलराइट, कोई ऐसे चुपचाप से नहीं बैठेगा, ऑलराइट, पीपल नीड टू बी स्पीकिंग। सर आपकी सैलरी कितना है पीडी में? आई थिंक दो, जबकि मेरा यार मुझे हाई रैंक मिल जाना चाहिए, आई एक्सपेक्ट, अब वो पता नहीं क्या, लेकिन मैं आरपी में ऐसा बात नहीं बोलता। हुआ देखो सर कॉल आ रहा है आपको किसी। हेलो मैं सर बोल रहा हूँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, बैटरी कम है। हेलो जी 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 नमस्कार, आप आ जाइए ना पीडी के बाहर, हम वेट कर रहे हैं आपका। हैं? हाँ जी। अरे तो अभी फोन आया ना, मतलब वेट कर रहे हैं, मैंने तो बुलाया नहीं, मतलब कैसे हो गया ये? मेरे को बोला उन्होंने कि आप काम मतलब सिचुएशन में, तो मैं सोची वेट ही कर लेती हूं बिना। ओके बस, अगर आप कट करते तो बुरा लगता मेरे को, इसलिए कॉल नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये देखो गाड़ी देखो। यस आइए, आ रहा हूं, आ रहा हूं, पार्किंग में डाल लूं मैं। क्या है सर, मतलब आ गए, वेल आ गए। सर आप वहां से कोडवन से सीधा पार्किंग में से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है सर, हमारी प्रायोरिटी क्या है? काम करना। आज काम तो कर लिए, अरे प्रायोरिटी तो है काम करना, जब काम करके आए ना, दो काम किया आपने, बताइए इन्फॉर्मेशन दीजिए क्या क्या किया आपने। यस सर, बताइए क्या क्या किया आपने। मैंने एक 911 को रिस्पॉन्ड दिया, एक मैंने 11 परफॉर्म किया। पहले आपने एक 1067 को रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद फिर आपने 1011 परफॉर्म किया, 1011 के बाद में फिर एक 911 को रिस्पॉन्ड किया, उसको 1016 लेके गई। ये मतलब वर्क को भी आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या क्या किया, राइट? इट्स ओके, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। रेस्टोरेंट टू सर। अब आया गया ना मजा, वीडियो कॉन्टेंट मिल गया। अरे भाई भाई देखो भाई, भी करोगे क्या भाई? अब पता नहीं यार प्रशांत, मुझे नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 बोलिए। इसके साइट में रहती हूं अभी, रिलेशनशिप में ही ब्रेकअप ना, मतलब वो दोस्तों में भी होता है। नहीं नहीं, लेकिन इनका घनिष्ठ दोस्ती। अरे देखो 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 गाइस, सुनो गाइस, ये सब चीजों से मैं कोसो मीदो दूर हूं मैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। एलिजिबल, जो करना है वो करना है। नहीं तो, वो नहीं, करो सिंबा सर घर कैसे जाएंगे फिर? वो बात है। पर्सनल जा रहे मैं निकल रहा यहां से। आ जाओ कोड वन, आ जाओ स्पेंसर। हां बताइए क्या है, तुमको ड्यूटीज नहीं क्या, पहले तुम्हारे बैजेस पहले नहीं क्या, तुमको नहीं होती क्या? सिंबा सर की बात कर सुन रहे हो यहां ना, सिंबा सर का जब भी मजाक उड़ने जाते थे सब देखने आ रहे। सर हां बोलो बेला। सिंबा सर क्या पीडी पे रोनक आ गई, आपकी आवाज बहुत वाह वाह वाह, ऐसा लोग बोलते हैं। डीप ने एकदम प्यारी आवाज है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप ये बताओ कि काम क्या था? आप अपनी डीप आवाज में गाना। अरे यार मैं गवैया हूँ, मैं सोचा कोई काम होगा इसलिए बुलाए होंगे। कांग्रेचुलेशन ये क्या कर रही है? कांग्रेचुलेशन टीचर, मैं रॉकी एंड अरे टीचर हो सर। मैं सोचा आप कुछ मराठी में बोलोगे, टीचू या ऐसे कुछ बोल दोगे। अरे सर नहीं नहीं, मास्टर मास्टर सर, मास्टर 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 मेरे मास्टर। हां मास्टर, माझे मास्टर। ओके ओके स्पेंसर सर, काहीतरी एकदा चांगलं कडक होऊन जाऊ द्या प्लीज, काहीतरी एक तरह चांगलं होऊन जाऊ, कडक होऊन जाऊ द्या, कडक होऊन जाऊ द्या। सारी चीजें बता रही मैं पहले ही। हैं हैं क्या क्या स्पेंसर जी, सारी समझ सेम हियर। हां जी हां सर, बोलिए बताइए। पब्लिक से बड़े जी एक लो वाला सॉन्ग परफॉर्मिंग कोड वाला
लव वाला अरे आता होता तो मैं सब कुछ कर देता हूँ प्यार भरा कौन सा तो गाना गाओ मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में तेरी चाहत में बस माँ कसम में लड़की होता है ना लड़की तुम मर से शादी करता मैं स्पेंसर जी अगर मैं छोटी बच्ची होती तो पप्पा बना लेती भाई 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 अगर मुझे प्यार में विश्वास होता तो मैं आपको प्रपोज करती आप और प्यार रहने दो भाई तो दूध दो कदम थोड़ा दूर रहना न प्यार और न प्यार मेरे बारे में भी सोच लिया करो हाँ हाँ सोच रहा हूँ मैम की बात है आप बताइए वैसे वेला आप गायो दो यार आप यार, मैंने सुना ही नहीं है यार मैंने कभी नहीं गाया ये सब शर्माना बंद करो हैं मैं नहीं गाती सर जी आप वॉइस चेंज करके बात करते हो कि ओरिजिनल में ओरिजिनल में गले में से निकलते हो क्या ऐसा मुझे हाँ इनसे पूछ लो अच्छा एक काम करता हूँ इनसे पूछवा देता हूँ पहले नहीं असली क्या जानते हैं समझ रहे हो कौन सा हाँ आप जरा हेलमेट खोल करके तो बात कर लेते मेरे भाई तो अच्छा रहता नाच रहे हैं भाई देखो वो आपको अच्छा अच्छा आपके बारे में बात हो रही है थोड़ा आगे आ जाइए तो आगे मेरे सामने सर एक और गाना गाओ यहाँ पे डूब जाएगी आपकी आवाज़ में गाओ एक सेकंड ना पतंग से उड़ गए गाओ चलो मास्टर लव कर गाए सर देखो भाई थोड़ा लिरिक्स ये नशे से चढ़ गए कितना मस्त ये गाना नीचे इधर आओ क्या हो गया आजकल भाई सब लोग मारपीट कर रहे हैं अच्छा हाँ वेला क्या सीन है किस चीज के बारे में गाना वाना नहीं गा रही हो यार इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर भी तुम इतना तुमको भाव खा रहा है चुप करो पैसा जल्दी किसी से बोलता नहीं है ये तुमको पता है मैं जल्दी किसी के पीछे नहीं पड़ता किसको बोला है तुमको पता है ना कि मैं चिपकू नहीं हूँ ये सब नहीं होता हमसे मालूम है मुझे आप बस वो करते हो वो क्या सोचते रहते हो रुक जाओ नहीं इतना खुल जाते पहले तो क्या होता है स्पेंसर सर जाने दो यार क्या फर्क पड़ता है काम है कर्म करना पड़ता है और कुछ नहीं वैसे जानती ही हो वैसे अच्छा लगा तुम्हें देख करके मुझे भी मुझे पांडे सर और दास्ता को देखकर भी अच्छा लगा you know, अच्छा लगता है जब अपने आसपास तेरी तो पर्सनल अच्छा ये बताओ कि क्या कर रहे हो इस शहर में मैंने अभी फिलहाल तो गुंडा और गर्दी की नहीं गुंडा और गर्दी के लिए समय ये पक्का एक दिन पकड़ाएंगे डेली आऊंगी आपसे मिलने ठीक है भाई यस 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 हाँ जी बताइए गुस्सा भी लाना बाकी है आपको कि सब बातें होने के बाद बताना मास्टर आज बहुत जोर का दर्द हो रहा है क्या दर्द हो रहा है कहाँ दर्द हो रहा है क्यों मैम अच्छा वो गाना गा रही है क्या उनके लिए हाँ हाँ बुला रहे पब्लू जी बुला रहे हाँ बताओ और बताओ अरे पहला हाँ, यार इतना रिक्वेस्ट करने पे भी तुम ये सब नाटक कर रहे हो यार छी भाई खाना, तो क्या हो गया शेरनी हो गा दे उसमें गा दो कुछ भी आपने वो गाना सुना है कौन सा कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर अच्छा कुंडला अला ये तो बहुत अच्छा गाना है प्लीज यार गा दो यार मेरे लिए प्लीज तुमको
सर दिखाती मैं उसके बाद बांध करके वो हंटर अरे भाई अरे क्या हो गया, खड़े हो जाओ यार। नो मैम प्लीज सुनो ये पुलिस स्टेशन है, कुछ भी समझ लेगा कोई भी। उनको दिखाने के लिए कर रही मैं। अच्छा ओके अच्छा उन्होंने मुझे मेरे हॉस्पिटल के बाहर दिया था, तो मैं दिखाना चाहती हूं क्या होता है। ठीक है, ऐसे करना पड़ता मुझे। हां अब ठीक है, ये सही है। अरे ऐसा मत करो, गलत समझ जाएंगे उन लोग। अभी ठीक है, जिंदा नहीं बचोगे। अरे वो कंसल पुलिस डरता है ना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ना, जी जी बताइए ऐसा नहीं है भाई, मेला और मेरे लिए एकदम पूरा क्या बोलते हैं, दूर तक संबंध नहीं है। मेला एक बात बताओ तुम्हारे अगर मुझे ट्राई करना होता है ना, तो मैं कब का ट्राई कर लिया होता। वही अरे तुम भी सेम बोलोगे क्या मुझे, कॉन्फिडेंट दोनों हैं, समझ रहे हो। अब एक बात, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ना हम कभी तुम्हारे पीछे आए, ना कभी कुछ किया, ना एजेंडा ही नहीं है अपना यार। Exactly, हम तो शरीफ है। हाँ हम तो डबल शरीफ है भाई। हाँ पहले ये बताओ लेकिन हाँ क्या इलीगल चीज फाइंड किए हो सर। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है सर। चलो सच में कुछ नहीं है, अभी मैं बहुत शरीफ हूँ। ओह बहुत अच्छा लग रहा मुझे यार। हाँ बताइए मैम। आर यू टायर्ड? टायर्ड मतलब? टायर्ड मतलब जैसे? मतलब आप मेरे हेड में बहुत टाइम से घूम रहे हो। अच्छा 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 भाई ठीक। नहीं जमा अगर किसी को प्रपोज करना हो तो उनको यही बोलेंगे ना कि आप हमको पसंद हो या फिर आज से एक दो तीन साल चार साल पहले करता, अब नहीं करता मैं। अच्छा किया नहीं करते हो, वरना हमारे फ्यूचर में होने वाले बच्चों को तकलीफ होती। आपको पता है उन लोगों ने ऑलरेडी अपना अपना इंश्योरेंस प्लान ले लिया इसको सुन करके। भाई क्या काट दिया भाई। व्हाई इसका क्या हो गया? हाँ जी बबुल जी बताइए। सही चल रहा है आपका जॉब पे? मैं कुछ नहीं बोलता सर, देखिए ना क्या हाल है। अरे 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 उसको शूज दो शूज। अरे भाई जूता मारो जूता। अच्छा अभी अगर जूता निकाल के मारने वाला कुछ होता तो पाट पाट पाट। ये भगवान करे ऐसा कुछ हो जाए बस, फिर देखो जूता खाएगा कि जाएगा। खाते जाते ऐसे अरे 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 निक जी क्या हुआ आपको? अरे ऐसे ना लेटो, बच्चों को चोट लग जाएगा। अरे मैं एक ही बार मुंह खोलता हूँ ऐसा खोलता हूँ क्या? भाई देखो रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत है। आई रियली रिस्पेक्ट विमेन, ओके ऐसा बात नहीं है। Since you wanted to have a little bit of banter, तो मैंने भी किया, बस वही हाल है, nothing special. जी जी मैम, बताइए. मैंने ना आपके ऊपर लाइन नहीं मारी, इसने ये लाइन मेरे पे मारी थी, तो मैं just justified कर रही. किसने किसने? ये लेडी? नहीं लेडी ने. लोया जोया जी, जोया आपका नाम क्या है? आपका नाम जोया क्या?
नहीं आपका नाम कायरा है क्या? कायरा कायरा हाँ अच्छा अच्छा लेकिन मैं क्यों लड़के के ऊपर लाइन मारूं कि क्या इन्होंने इन्होंने मेरे को बोला मेरे को मेरे को मेरे को एक एक पिकअप लाइन वहां पे पिक के मारने की आप थक गई क्या? मैंने बोला नहीं क्यों तो बोले कि रुक जा वो कुछ बोल रहा उस घूम रही हो अच्छा मैं समझ गया और अब ये बोल रहे हैं कि पिकअप लाइन आई है पहले मैं बोलूं पिकअप लाइन बोलो और अब ये बोल रहे हैं देख रहे हो गाइस क्या हंसी मजाक हो रहा है दुनिया बोल रही है कि मैंने आपको प्रपोज किया अभी मैंने थोड़ी ना कुछ बोला दुनिया दुनिया वीडियो वायरल कर रही मैं क्या करूं तो अभी बोले उधर जाके बेला जी इतने गुस्से में क्यों हो तभी तो आप गुस्से होके चले गए तो फिर ऐसे की फड़ी है यही नहीं है तो मैं गुस्सा ही होऊंगा ना ऑब्वियसली भाई आप एकदम साइलेंट स्मॉल वर्ल्ड कहना समझते हो आप स्मॉल वन के नो आई एम द वोल्केनो बेबी वोल्केनो आई एम क्या है पानी है क्या पानी पानी आई ले लो पानी ये तो इधर आओ कम हियर देखो वो ही दे रहे जाओ जाओ अरे आ जाओ भाई जल्दी ले लो और कुछ थोड़ी मांगो मेरी मम्मी अरे पानी और कुछ नहीं उसमें हां पता है हां पता है मम्मी तो है मम्मी बच्चों का भाई मम्मी बात करते करते 18 प्लस कर दोगे तुम लोग एनीवेज बोलो बोलो अरे भाई कोमा रेडी सही है अभी क्या मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन हाँ कोमा रेडी दो दिया नाम बताओ कितने दिन का किसका किसको कौन क्या टिकट काट रही हूँ भाई तुम कुछ बोलने चाह रहे थे वो बोलो लाइन कायरा जी आप सुनने में इंटरेस्टेड हो इनके पिकअप लाइन कायरा जी कौन है कायरा जी हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा लेकिन यारा मायरा कायरा कायतरी कर रहा है कायतरी करा रे भाई स्पेंसर सर जी बाद में मातर जी 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 थंडर जी बताइए बताओ किसकी टिकट काटनी है अरे वो पीडीएम जाना था ठीक है अभी ओके आइए 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 मैं आता हूँ खुद रोक करता हूँ या हे गाइस आई एम गोइंग टुवर्ड्स द पीडीएम इन केस यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम ओवर देयर हेलो हेलो चलो सारे जाते हैं पीडीएम में जाना चलो भाई अरे थंडर जी क्या क्या बना दिया मुझको मैं शेरशाह बन गया मैं स्पेंसर हूँ मैं स्पेंसर हूँ शेरशाह बन गया व्हीकल आउट हाँ जी मैंने सुना नहीं क्या बोला आपने मैं शेरशाह बन गया मैं स्पेंसर हूँ तो अरे यार स्पेंसर शेरशाह ने मुझे कॉल दिया था क्या करना बताइए अभी पीडीएम जाना है हट जा रे भाई अरे करण मैं देती हूँ आप क्यों करण दे रहे हो किसी को अरे ऐसे ही क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या उस वक्त कहाँ पे अरे अभी जब मस्ती कर रहे थे सब लोग मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ नहीं नहीं आप बहुत शरीफ हो वाह वाह गाड़ी ऐसे कूद रही है ऐसे नीचे कुछ लगा हो स्प्रिंग सेम हियर न्यूज़ कब आया भाई सर बहुत अच्छा से ही मुझे बात बता रहा है ओके सर उन्होंने भी अच्छे से बोला रुक जाइए रुक जाइए सब यहां पे रुकने की बात है ये अन्ना थोड़ा अन्ना थोड़ा बिजली जी अरे अरे सॉरी 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 वन सेकंड वन सेकंड देखा नहीं मेरे पीछे परफॉर्म की जगह नहीं है क्या सर अंदर सर क्या मेरे हाथ ही खाली बाहर पॉइंट करते रहते हां वो चिकन काटने का मुर्गी काटने का जो चाकू है वो और चिकन काटने का मुर्गी काटने का चाकू अरे अरे हेलो हेलो मारा स्पेंसर जी मारा क्यों 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 मुझे मारा इसने मेरा देखो बेला बेला अरे पॉप रे पॉप सुनो सुनो स्पेंसर जी तुमको सच बताऊं मैं हां स्पेंसर इसने पहले मेरे को मारा है उधर जाके पूछो लड़की ने सच में आफत है भाई एक मिनट रुक जाओ मुझे मुझे जस्टिस चाहिए जस्ट ये
गैस चीज चाहिए। सच बोल रहे तुम, मुझसे मेरा मुंह मत खुलवाओ बस। जस्टिस फॉर ताड़ा थोड़ी बोला मैंने, जस्टिस फॉर वाह बोला, जस्टिस चाहिए। सोचो क्या ही हो रहा है। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए यार। वन सेकंड, एक मिनट रुको। एक दिन तुमसे तो गवा के ही छोड़ेंगे तुझे तारों के शहर में। नहीं नहीं, कुछ ऐसा गाना गाओ जिससे हम भी गा सकें। यार आपको नहीं आता ये गाना? कौन गाएगा तारों के शहर में, ये सब नहीं गाना है हमको। तुम कुंडी खिड़की ये सब बोलने लगी तो मैं डर गया थोड़ा सा। यार मैं भी डर गई, कहीं मेरे टिकट्स ना काट दिया जाए। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद नैंसी बोल रही डॉक्टर है। ट्राई करना 15 सेकंड 20 सेकंड बाद, ओके? क्योंकि डॉक्टर चेंज होते रहते हैं ना इसीलिए। ठीक है गा लेंगे, ओके? हाँ। अपना इतना वो मत करो, क्या बोलते हैं, शर्माओ मत तुम। अरे ओके। बोला अप्लाई करो। नहीं हुआ कि नहीं? नहीं ये हो नहीं सकता कि मेरी जान ना जाए तुझे भूलने से पहले। ठीक से मरहम पट्टी हो रही है ना? यस, बहुत अच्छे से करा। चलो वाह वाह। बहुत अच्छे से करा, अजीब है। अरे यार छोड़ो, गलत जगह मेरा मुंह मत खुलवाओ, दोनों जगह। सही है भाई सही है। ऐसा मुक्का मारा तुमको, तुम लिटरली पूरा टाइटैनिक की शिप से नीचे गिर गए। यार उसने मुझे तीन बार मारा, मैंने सिर्फ दो बार मारा, पता है। मुक्का मारने में एक्सपर्ट हो गए सब लोग। वाह भाई केला छिलका किसने डाला हुआ है यहाँ पे? क्या बोलो, छिलका किसने फेंका हुआ है केले का? यार पीडी वाले ने भेज लीजिए बाहर आ जाओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सीन नहीं है। ओके जाओ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हाँ अरे हेलो, तुम्हारा नंबर है मेरे पास? देखो होगा। हाँ है? होगा 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 होगा, जिस दिन मिले थे डान हान दही। किधर गई निक्स? नहीं है बेला, नहीं है। किधर किधर? पीडी है वो, पीडी में आगे पीडी। हाँ जल्दी से दो, मैं रुको ले लो। रुक मुझे भी दे दो सर नंबर। हाँ एक मिनट को भाई। पूछो पूछो पूछो, हैंड्स अप इन द एयर। हैं नहीं आया। आया? अरे कायरा कायरा नहीं, नहीं हो रहा क्या? कायरा नहीं हो रहा। चलो अरे हमारी ला विचाप्टो। स्पेंसर जी हाँ बताइए सर। आई यू नन्या, आपको भी सैल्यूट कर दिया भाई मैंने। सैल्यूट यस सर। हाँ क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? हैचेट मार दिया था। जाओ जाओ आप ड्यूटी पे हो ना, जाओ जाओ। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया। हेलो यस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में बाद, फोन करेंगे। ओके बाय। किसको बोला समझ में आ गया ना?
मिलते हैं थोड़ी देर में। बेला बोल दो उनको, बोल दो यार वो नाराज हो गए आपसे। ठीक है भाई। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। सही, लोकल का हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ता रहता है हमेशा। पीडीएम बहुत सही सही गाड़ी है। आप स्पेंसर देखनी है आपको गाड़ी है क्या मास्टर? यस यस अंदर देखनी है। हाँ एक मिनट के चल दे लेता हूँ मैं। बहुत सही सही गाड़ी है। हेलो मिला आपको की? क्यों की मिला ना? इनकेस इनकेस अगर मैं गाड़ी ले लूँ तो वही। अच्छा गाड़ी नहीं लूँगी आज, टेंशन मत। देखता हूँ मैं है कि नहीं, आ जाओ ना। मुझे पता है आप गाड़ी नहीं लोगे। देख रहा हूँ आप यहाँ पे। नमस्कार। नहीं नहीं प्रोफेसर कौन सी गाड़ी ले रहे हो? लिस्ट दिखाता हूँ मैं, अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी नहीं मिल रही है। हाँ सर मतलब है कुछ गाड़ी वाड़ी? आप भी ले रहे हो गाड़ी वगैरह? कुछ है क्या गाड़ी? क्या मालूम, मैं भी देखने ही आया हूँ। देखता हूँ क्या प्राइस। अरे मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है क्या? हाँ क्लासेस ऊपर को गाड़ी देख कर ही आया। अरे कोई बात नहीं, अभी तो गाड़ी देख रहे हो, एक दिन आपकी भी होगी। ये हाल है। हाँ वो तो है, सपना तो है, अभी सच होगा तो नहीं क्या? अपना देखिए तभी होगा। सर, हाँ हाँ कौन सी लेनी है अपने को? आप सजेशन दो, थोड़ा सा सजेशन तो दे सकते हो। स्पेंसर सर आप थोड़ी आर्थिक मदद कर देना, मैं अच्छी गाड़ी लेनी। बहुत लंबी लिस्ट हो रही है। हेलो सर, भैया कौन सी गाड़ी लेने वाले? दीदी मैं जल्दी आपको बताऊंगा। जय हिंद स्पेंसर सर, दुआ में याद रखेंगे आप। पहले तो जय हिंद यहाँ पे सर, पहले तो जय हिंद। एक गेस्ट बन के इधर भी मुझे गेस्ट करके बुलाया है। अच्छा पहले तो जय हिंद, पहले जय हिंद, अचानक जैसे टमाटर टपके, मतलब हाथ थे यहीं के। हाँ बोलिए। पुलिस स्टेशन में थे पूरा दिन, आज इधर गेस्ट बन के बुलाया, देखो इज्जत कितनी बढ़ रही है। मार्केट में इज्जत बहुत है। देखिए मतलब लोग लोग सोशल कनेक्ट से ही तो बढ़ाते हैं, मतलब सोशल होकर। क्या हो रहा है मालूम है? हमें लोगों से बहुत प्यार है, लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, पर हमारा जो फैमिली लफड़ा है ना वो ही खत्म नहीं हो रहा है सर। सलाह बढ़ते ही जा रहा है। क्या मालूम है स्पेंसर सर, गाड़ियां बिक रही है। देखो भाई हमको भी सब लोग बहुत कुछ लोग जोड़ दे रहे हैं, मेरा कोई लड़कियों का ऐसा चक्कर रहता नहीं है। लिखता कुछ है, होता कुछ है। कल मैं आपसे मिला ना नॉलेज वगैरह है ना, तो मेरा दिल मंत्र मुग्ध हो गया, मतलब गार्डन गार्डन। तो देखिए सर मैं अपने काम को अगर अच्छे से नहीं कर सकता ना तो फिर शहर की परेशानी क्या करूंगा? मजाक करने तो आता नहीं। आप जैसे ऑफिसर की जरूरत थी हमें, और आप हमें मिल अभी बस दिखा रहे क्या? थैंक यू सर, बस यही है कि मैं हाँ कि लोग बहुत कान भर रहे हैं मेरे बारे में। नहीं नहीं नहीं, कान कोई भी भरने हमारे कान साफ है। अच्छा सर ठीक है, सर मिलते हैं। तो आप हमेशा हंसते रहोगे। यस यस हैव अ गुड टाइम मंडे जी, नो प्रॉब्लम। आप जाइए अपने फैमिली में जाइए, नो प्रॉब्लम। हेलो हाँ वो तो है, हम बचपन से। मामा जी सबसे अच्छी कौन सी गाड़ी? हाँ कौन सा दिखा रहे हैं विधि जी? बुगाटी वो सब ईडी प्रोफेसर शोरूम में खरीदी थी वो हम खरीदी और ये नहीं। अरे औकात वाली गाड़ी दिखाओ भैया। अभी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा बात है। सर ये प्राइसिंग कितनी है इसकी? हाँ हाँ हो गया, मतलब टू सीटर से प्राइसिंग। हाँ चलेगा देख। ये बादशाह बादशाह जिंग जिगी 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 जिंग जी, इसकी 6,25,000। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा, ये सुपर कार। थैंक यू सो मच, नहीं नहीं सर मतलब छोटे में है कुछ गाड़िया हो गई छोटे में है मेरी गगड़ी। हाँ विलियम। अच्छा नाइट ब्लेड और नाइट शेड दोनों है आपके पास? गरुड़ किधर है? नाइट ब्लेड उड़ गया लगता है जी सर। किधर सर? जी सर वो है वो। नाम क्या है सर? मेरा नाम है
मुफासा मुझे लगा बाकी भी यार नाइस टू मीट यू सर आपको दिखा रहा हूं इधर जी जी नाइस टू मीट यू आप एक बार बताइए सर डायरेक्ट है या नहीं अरे भैया कहां कहां जा रहे हो ऐसे फ्लैशी फ्लैशी गाड़ी नहीं लेना स्पेंसर सर आप थोड़ी हेल्प कर देंगे तो मैं टू व्हीलर ले लूंगा जितना चाहिए पहले मैं देखू तो सही पहले पहले नीच का करता हूँ फिर देखता हूँ क्या टेजर एक नहीं ये वाली गाड़ी ये कौन सी है सर ये गाड़ी 120,000 की सर नहीं नहीं नाइट शेड है क्या नाइट शेड नाइट शेड तो आप भी स्टॉक से गई है मुफासा जी ने आप भी ली ओ मुझे दिखे लोगों को लोगों पे ना चार्जेस लगाने पड़ेंगे सर चार्जेस लगा के हम फाइन ले मतलब गाड़ी ले सकते सर वो तो आप पे अरे हम लोग पुलिस ऑफिसर है ब्लैकमेलर्स नहीं आप फंड कैसे मैनेज करते हो आप पे हैं ये क्या है यार मैं ये बोल रहा था कि सर नाइट शेड का कुछ देखो ना अगर है तो नाइट शेड का क्या है सीन है एक मॉडल था मुफासा जी ने जस्ट उनका फर्स्ट कार मतलब लेने के लिए उन्होंने नाइट शेड ही ले लिए तो मॉडल आ सकता है ना डिस्प्ले में भी नहीं सेकंड मिलेगी हमें सर नाइट शेड हाँ मैं नाइट शेड के लिए वेट कर सकता हूँ नाइट शेड वो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों पे डिपेंड है सर कौन है आपके यहाँ पे मैनेजर सीईओ जो भी है हाँ वो फिलहाल तो हेड हमारे वही है रॉक्स जी रॉक्स जी हाँ तो एक बार रॉक्स जी से बात करके आते हाँ अरे थोड़ा अपना चक्कर चलाओ ना बिजली जी चलो चक्कर चलाने के करना पड़ेगा चक्कर वो तो गए अंदर बुलाइए ना उनको नियो है के नियो हाँ डिस्प्ले में और क्रिस्टल नियोन नियोन वगैरह है ना नियो का क्या है प्राइस अरे साइकिल है क्या नियो का प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हुआ साइकिल है क्या साइकिल साइकिल मतलब अभी बहुत सारे कार का प्राइस फिक्स नहीं है क्या वाह भाई 751+2 इज करंटली 90 ऑफ स्पोर्ट्स सॉरी और क्या बीएमएक्स है क्या कुछ आप कुछ दिखाएं ना सर कैलिको जीटीएस रिक्वेस्टिंग बजट ऑन यूनिट पॉसिबल ये बढ़िया लग रही साइकिल है मेरे लिए बुक कर लो ये भी बढ़िया है हां गियर नहीं है यही चाहिए बी एक्सिटिंग द रॉकफोर्ट प्लाजा हेड इज व्हाट न्यू दिखा सकते हैं एडिशनल बोल रहे हैं साइकिल का नाम बताओ यू स्टिल नीड एडिशनल्स और समवन रिस्पोंडिंग फिक्स्ड रिस्पोंड पेंस सर वी आर आउट ऑफ स्टॉक Okay, I'll be responding, but I have a Crown Victoria. 10-4, sir. It's fine. Okay. We're currently crossing the Vanjiliko. Bijli ji. Sir, milte baad mein milte thoda situation, sir. Spencer, sir. Baad mein. Sir, main situation mein hoon, toh time de dijiye. Arre, ek bande dekho, situation hi bata raha hoon. Ek mukhote pehne teen bande yahan ghoom rahe the, dekhiye. Achha. Okay, okay, sir. Dekh lete. Dekhta hoon, sir. Okay, milta hoon, sir. Dekh lete. Thank you, sir. Towards the visual news. Cross the Weasel News, still heading southbound currently on the Ginger Street. We'll be joining the South Rockford Drive soon. Vehicle spin out. Location lagane ki zarurat hai sir? नहीं ठीक है आप करते रहिए मैं साइड से जा रहा हूँ सॉरी मैं जाऊं देखने उसका वो मॉडल देखना तो कौन सी है ऑर्डर क्या मनु गुप्ता हेलो मॉडल कार की 1011 ऑन द कॉकपिट ब्लू कलर वन ऑक्युपेंट एडिशनल रिक्वायर्ड नियर द ओबेसिटी एवेन्यू कम ऑन गाइस सभी लोग लाइक करते रहना प्लीज 93 लाइक्स में अटका हूं मैं कम ऑन प्लीज
जिनको हमने छोड़ा था क्या स्पेंसर सर उसको ही पकड़ाया अगेन वाह कॉर्विन को वाह ये आदमी हमको लगता है सीरियल ऑफेंडर है समझ रहे हो मुझे भी वैसा ही लग रहा है तो हम चले इस पे नहीं बिना पूछे बिना वो नहीं बिना अरे हम लोग बैकअप यूनिट है ये आपको सीखना पड़ेगा ये बैकअप यूनिट है हम लोग नहीं जा सकते ऐसा भी कुछ होता है बैकअप यूनिट कभी नहीं जाती ऐसे विदाउट क्लियरेंस की हाँ भाई जब तक प्राइमरी यूनिट बोलना दे भाई जीपे नंबर डालो ये रहा ना एक्सक्लेमेशन मार्क अमित सावंत आप बोलिए मैं कर दूंगा नो प्रॉब्लम थोड़े मेरे मॉड्स एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है लोगों की तो लोग हैं नहीं कहाँ डेजर्ट कहाँ 1 लाख की गाड़ी आएगी हमारे पास बताइए क्या बताऊँ अरे जैसे मैं एक कंपटीशन में जीता वैसे आप भी डालिएगा आप भी कुछ ना कुछ जीतोगे आप कब जीते सिंगिंग कंपटीशन में जीता ना 1 लाख रुपए आपको पता नहीं है क्या हो गया बिजली जी सॉरी क्या हो गया हाँ आप तो सिंगिंग में कंपटीशन मतलब 50-50 हो जाएगा सर हम दोनों का 50-50 नहीं वो मैं गाड़ी मतलब वो मैं 1 लाख रुपया उसमें जीता हूँ तो मुझे कुछ कार वार तो लूंगा और उसमें अगर कुछ अगर बचता है तो मैं बता दूंगा आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पहले मैं देखता हूँ कौन सी कार मिलती है मुझे अगर अच्छी कार एक मिल जाती है तो और एक बाइक तो चाहिए भाई मुझे एक बाइक तो चाहिए 6012 स्पेंसर सर नो नीड ऑफ एडिशनल्स यू कैन रिज्यूम योर कोड 1 प्रोविजनल ऑफिसर स्पेंसर प्लस 1 कोड साइन फ्रॉम द गन सिचुएशन रिज्यूमिंग कोड 1 दैट गाय Officers, I had informed him to do get a driving license. I don't know what he is doing. Mark karo. Isko mark karo. Mark karo. 1067. Isko. 67 ko mark karo. 60. Wait a minute. I think apne hi officer hai. 67. Thank you. Apne hi off. Nahi nahi. Maine dekh liya. Maine dekh liya. Jab apne hi officer hai. Haan to. Aur ka ye dekh liya tha. Isliye nahi kiya. Problem. Maine bhi wahi kiya. 67 wahi hai. Una mattina mi sono alzato bella ciao la 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 ciao 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 min de do re kya kar rahe ho tum ciao ciao min min ciao min yes ye kya ciao min kalkatta mein durga puja ciao min kalkatta mein durga puja hota hai bahut ciao min bikti hai bahut zyada नमस्ते भैया बहुत बढ़िया बताइए अरे करना पड़ा नमस्ते 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 आपने कल जो रात मस्त कर दी अपने मजा आ गया आपके गाने सुन के धन्यवाद बाद मेरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद सर पुलिस सर हाँ पुलिस सर गाड़ी हटाओ हाँ सॉरी यार मैं इग्नोर नहीं कर रहा ये हटाना पड़ेगा इसके लिए एक मिनट कोई बात नहीं तरफ कर लू बाहर चले जाऊँ स्पेंसर सर बंद हो गए क्या अच्छा ठीक है अरे वो सेलिंग के लिए नहीं बस देखने ओ सेलिंग के लिए नहीं था क्या सेलिंग यही है जीपे नंबर 6290979067 है जीपे अमित सावंत जी आपको कब काले कपड़े में देखेंगे जीपे है ना टिचकुले याद रखना बिजली जल्दी आएगी काले कपड़े में अब पहले तुम्हें ही नहीं बंद कर दिया गया मतलब डिस्प्ले था पहले अरे नहीं जाना है क्लब
6209-790-6767 UPI भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, समझ रहे हो? यस सर। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? सर मैं सिंगल हूँ सर, मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी के साथ जाना है ना, डेट पे भी जाना है ना खाने पे भी जाना है। हे भगवान, अरे क्यों पूछ लिया? स्पेंसर सर चलिए। यस यस मैम। बिजली को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा ईज हो जाए, ऐसा पुलिस का मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे कैरेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा बिजली जी, बिजली जी थोड़ा ईज हो जाओ, थोड़ा घूमने वूमने जाओ, अगर आपको जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जाना? नहीं मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जाना चाहिए, अगर इससे कभी कभी क्या होता है पब्लिक रिलेशंस बनते हैं। पब्लिक रिलेशन मतलब मुझे कोई भी पब्लिकली रिलेशन। आप नहीं समझ रहे हो मैं किस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, गुच्चू मुच्चू हेलो हाउ आर यू डूइंग वैसा वाला नहीं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? पब्लिक से मिलने, पब्लिक ने बहुत तकलीफ दी है मुझे पहले। अरे नहीं आप समझिए मेरी बात को, मेरी पॉइंट क्या, पहले वो सुनिए, आप लिटरल मीनिंग मत लिया करिए, सुनिए मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पब्लिक रिलेशन रखोगे ना तो कभी ना कभी यही पब्लिक आपकी हेल्प कर देती है कुछ ना किसी काम में, दैट्स इट। आपको लगता है क्या इतनी सारी लड़कियां मुझसे बात कर रही है मैं क्या सबसे है हाँ चलो हम लोग खाना खाने जाएंगे? नहीं होता हमसे, आपको लगता है ना? हां समझ रहे हो मैम? मैं कुछ ना सर, मैं ऑलरेडी बहुत सारा घूम चुकी हूं, 10 11 1 अच्छा। मेरा का मन नहीं करता, बिल बॉक्स नीड एडिशनल। मेरा कहने का क्या मतलब समझ में आ रहा है ना? 10 4 दिस इज ऑफिस स्पेंसर प्लस 1 विल बी 76 टुवर्ड्स द बिल बॉक्स एरिया। GTA 1 mics out. वो बाइक रोकेगा देखना। हाँ मुझे पता है। No problem, no problem, you can go. Spencer का खौफ, क्या बात है? नहीं वो मेरा खौफ नहीं, क्योंकि वो लॉ अबाइडिंग है ना, उनको समझ में आता है कि हाँ भाई पीडी पीछे से आ रही है, बस वही है। मैं होती तो रुकती ही नहीं। हाँ तो फिर वो बढ़ते रहता। आप अननेसेसरी मतलब अपने ऊपर अटेंशन लेती, बिकॉज आपने रेड सिग्नल जंप किया, आपके पीछे नहीं था गाड़ी, जस्ट बिकॉज आपने ना गए नहीं तो ऐसा हाल हो गया। भाई क्या हो रहा है इधर? बिजली जी, हाँ बोलिए जी। बिजली जी मैंने अभी वहाँ पे आपको बोला था, वो मास्क पहने हुए बंदे बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा गाड़ी से थोड़ा सा दूर हो जाइए सर, थोड़ा सा एक दो हाथ से दूर हो जाइए। भाई जो मैं जो चीज अवॉइड कर रहा था, जो अवॉइड कर रहा था वही हुआ। हम आपको नहीं गिराना चाहते। लेट्स गो लेट्स गो। हेलो 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 सर, टू राइट सर, सर बाइकर राइट पे ये प्लीज। हेलो हेलो, आपको बुला रही हूं, कब्जे में बुला रही हूं, कब्जे में आ जा रे। क्या हुआ? कब्जे में आ जा। क्यों? एक नया कब्जे में तुम्हारा मुखड़ा। नहीं ऐसे काम नहीं करता, तुम्हारा मुखड़ा निकालो, बचाओ मैटर। हां तो स्पेंसर सर, हां तो देखिए आप वो बंदे बार बार मुझे आके परेशान कर रहे थे। कौन तो कौन? उनको ढूंढी है वो, आपको बोला नहीं कि मैंने कि वो मुकड़ा मास्क पहन के बंदे घूम रहे गाड़ी में, ब्लैक गाड़ी में देखो। हाँ तो उनको देखिए, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं मार दूंगा उनको फिर बार बार। अरे मार क्यों दोगे भाई? हाँ तो वो मैं आपको देखिए, मैं आपको कंप्लेंट कर रहा हूँ ना। अरे हाँ, आप तो पुलिस बुलाइए, पुलिस विल लुक इनटू दैट। सर सुनिए, वो मेरे सामने से चिढ़ा के भाग रहे हैं, तो अभी मैं पुलिस मतलब मैं दो बार कंप्लेंट कर मैं इनका मतलब कि सेल्फ डिफेंस में, समझ रहे हो? नहीं वो कैसा हो गया, भी गुस्सा हो गया, देख लेंगे उनको, लेकिन हम बता देंगे उनके स्पेंसर सर, डोंट वरी। कैसा पता है? बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे थे लोग वो, और मास्क पहन के थे, मास्क पहन के इरिटेट कर रहे। एक तो मास्क पहनना अलाउड नहीं, आपको भी पता है। यस सर। सर वो पता है मेरे को उन्होंने क्या बोला कि आपको घनश्याम जी बुला रहे हैं, गाड़ी में बैठो। घनश्याम जी है भी नहीं सिटी में, और बोले हमें एप्पल शॉप पे जाना है। तीन बंदे थे। लो लो बच्चा ठीक है, देख लेते हैं। हाय गॉड बिजली जी, मेरे को जाने दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, चलो। अरे वो कितना प्यार से बता रहे, क्या हो रहा है? यार मैं क्या करूँ अन्ना, चल
अन्ना जी मेरे लंगूटी यार खा, कैसा है तू? अरे क्या रिलेशन है, बिजी हो गया अभी क्या बोलने का? लंगूटी यार तो भूल ही गए मुझे। अयो सर आपका नाम क्या होता है? स्टीयरिंग का दिक्कत हो गया। लंगोटी यार दोनों साथ में खाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में मतलब रहते थे। बिजली जी इनका नाम क्या है? हमारे मास्टर है स्पेंसर सर, स्पेंसर जोन्स। सब लोग लाइक करो गाइस, लाइक मारो भाई, आपका बाल बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू सर, देख रहे हो बाल? वाह, ये कर लो बादशाह। हां थैंक यू सर, बादशाह बादशाह, यस यस, ये बोलना जरूरी है। बादशाह बादशाह मतलब बादशाह बादशाह, ओ तब मैं भी बोलूंगा बादशाह 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 बादशाह, बादशाह तो भी बादशाह बोलो, अच्छा नहीं बादशाह। अच्छा मैं भी इधर आके ही सीखा है। क्या हो गया? अपंचा टोपी बादशाह आए, अपंचा नहीं अपला, अपला तुमची टोपी। अरे तुमची आ गया, गाली ऐसे मत बोलो, तुमची नहीं होता वो, तुमची होता है मराठी में, तुमची होता। अच्छा सलमान तुम्हारा, सलमान ऐसा। हाँ भैया बोलिए, वो तुम्हारे तुम बोर नहीं होते क्या कभी? नहीं कभी नहीं बोर होता। अरे इतनी तेज भागती है, करना क्या है वो बताओ, बताओ बताओ। वो राज की बातें लाइक कंटाल गए हम, प्लीज हम कर। क्या हुआ क्या जी, सुनो ना, वजह तो इसमें ही है। सुनो मैं एक सजेशन देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? कोई क्लब व्लब अगर हो उसमें अरेंजमेंट करवाओ, सब माहौल बने, सब लोग आए, सब लोग टाइम फ्रेम पे, ठीक है? जैसे कि अभी घड़ी में कितना बज रहा है, एक मिनट सुनो सुनो, चलो तुम लोग सब। हम लोग हर रोज पार्टी करते हैं, हर रोज। अरे सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं, जैसे कि समझ लो कि शाम के अगर 6-7 बज रहे हो, राइट, ठीक है, सिटी टाइम पे, सिटी में जो 6-7 बज रहे हो, तो उस वक्त सब लोग को बोलो भाई यहाँ पे है, और सब लोग वहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसे सब एक साथ यू नो वो करो। ये नहीं खाली घूमते ही रहो, पिल बॉक्स घूमो, ये घूमो, पर मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा था। हां बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो ना आंसर है क्या आपके पास? क्या तुम बोर क्यों हो रहे हो, वो पूछ रहा था मैं। मैं बोर क्यों हो रहा हूँ? नहीं नहीं तुम बोर होते हो क्या? नहीं बोर नहीं होता मैं, क्योंकि कोई कोई है क्या मेरे लाइफ में? अरे ऐसा नहीं है भाई, कुछ चिल। मेरे बारे में बोल रहे हैं सर, मेरे बारे में बोल रहे हैं आपको सर, समझा करो मास्टर। आपके बारे में नहीं, वो समझे नहीं अभी तक। स्टूडेंट लोग को सिखा सिखा कर कितने दिन? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, ये तो कल ही से चालू हुआ है, अभी अभी तो गुरु दक्षिणा भी बाकी है इनकी, देखते हैं। मास्टर जिस दिन किसी को गोली वोली मार देंगे उस दिन हम बोलेंगे बस हो गया मेरा, ठीक है सर। ये मैं बोल रहा हूँ कि वैसे यहाँ का जो क्लब है वो सब ओपन है कि नहीं है? क्लब्स ओपन है पर उधर कोई नौकरी अभी नहीं कर तक वो सेल वगैरह नहीं। यार नौकरी होनी चाहिए मालूम है क्या? मुझे तो लगता है बाबू सुपारी को ही करना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। इन्होंने कल रात को मेरे को बोला कि चलो बबलू गाड़ी ऑर्डर करते। वाह वाह भाई वाह, पापा बन जाते कभी किसी के डैडी बन जाते। ओ हॉट वर जी उनका तो ठीक है, ये आदमी हाथ में फिशिंग रॉड ले इधर इधर को समझ में नहीं आ रहा। ये सबसे बेस्ट है, सबसे ओपी आदमी यही है मालूम है क्यों? बिकॉज ही विल अबे पहुंच जा भाई, हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा हट जा, मल्टीवर्स मल्टीवर्स, हट जा भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया भाई, हट जा हट जा। कर दिया सर भाई, पीछे देख पीछे, माय गॉड इतने सारे खड़ा है। लसपटे लसपटे देखो, लटपटे लटपटे लसपटे ऐसे ही चलता है स्नेक की तरह। सॉरी गाइस थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ा निकलना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, हट जा हट जा हट जा। 10-4 आई एम रिस्पोंडिंग एज वेल नियर देयर जस्ट टू गिव अ बैकअप। क्या स्पेंसर सर मैं दे रही थी ना कल, तो अच्छा ठीक है, बोल दो आप, बोलो बोलो आप, बोल दो। दे दिया, हो गए, रात गई बात गई। ये पार्क्ड व्हीकल को हार्डवेयर मार, हां ये देखो, वाह 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 वाह, परफॉर्म कोड 6 नियर बाय रे, वाह रुक जाओ, पुल ओवर टू राइट,
और टू राइट और थोड़ा आगे कर लीजिए सर, मैं पीछे आ जाऊंगा। प्लीज कम आउटसाइड। बस 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 सर आ जाइए, सर बैठ जाइए, आप गाड़ी में बैठ जाइए। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं सर, वो नहीं, अभी था मेरे सामने था। ये नहीं है क्या? It's a Manchus. It's a Manchus. Open code 6 for this. It's a Manchus, right? Yes. Back, back. ठीक है, बैठ जाइए, it's okay, fine. Thank you. क्या है ये गाड़ी, लेफ्ट घुमा रहा हूँ तो सीधा के लड़ जाना। क्या सीन हो सकता है? 10-4 Provisional Officer Spencer Jones plus 1 same traffic. मेरे calls बहुत crisp होते हैं ना, वैसे आप भी दो, समझ रहे हो? बिजली जी, बिजली जी उड़ गई क्या? बिजली जी, I think that's Officer Bijli probably. Very nice. How did she fall off? करना होता है वो भी पता नहीं, distress button कहाँ पे वो भी नहीं पता इनको। 81 plus 1 plus 1 14 76 to 19. I saw a civilian down near the pinkish area. I'm just responding to that particular situation. Hello? Sir, accident हुआ है, उड़ा है। वो चले गए क्या? Pillbox गए वो? हाँ गए गए। Okay, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। आपको भी चोट लगी? अरे 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 खड़े खड़े लड़ रहे हैं सर। ए भगवान, पुलिस ले जान लेके रही है आज मुझे। कैसे बोल रहे हो? मैं तो आपको सुन करके हंसी आ गया, सॉरी मैन। सर मेरे को बात बताओ, आप सोचे भी नहीं होंगे मैं पिलबॉक्स से उधर रेंटल तक जाने तक मेरे कितनी बार पुलिस ने पकड़ा। कोई बात नहीं सर, आप जाइए अभी फिलहाल जाकर अपने आप को ट्रीट करवा लीजिए प्लीज। यस, मेरे को 6 बार पुलिस ने पकड़ा है सर। आप बहुत ही लकी इंसान हो। लेट्स गो, लेट्स गो। क्या दो बार लेट्स गो लंगड़ाना पड़ रहा है मेरे को। अरे लेट्स गो मतलब भाई। फिर टाइम निकल जाएगा, कितना बज रहा है? साढ़े वो बज रहा है ना। अरे शी इज नॉट देयर। तो भाई कैसे करेंगे आज का? फिर आगे का तो और आरपी नहीं होगा गाइस। पड़े हैं। हाँ भाई, वही तो मतलब सॉल्व कर दिया उसको।
यार फिर वही समझ रहे हो गाइस, सुबह तक 3-3 बजे तक आरपीज गाइस चलती है ना, जो मिसेस हो जाता है उसमें, समझ रहे हो? हाँ बोलो ना। 100 लाइक्स करो गाइस, आगे बढ़ो शायद एवरीबॉडी। हाँ जाओ जाओ बाद में करते हैं। ओके स्पेंसर सर, जब हम ऐसे गिरते तो क्या करते वो बताओ मुझे पहले। स्ट्रेस को कौन सा कॉल? वर्क में देखो है कुछ, पुलिस एक्शंस में है। मुझे कॉल बताइए ना वो क्या है। वर्क पुलिस एक्शंस, अरे डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस लाइक यू नो ऑफिसर डाउन 10-14। अरे वो नहीं, जब मैं गाड़ी से सपोज मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ तो आपको अगर आप गिर चुके हो कम्प्लीटली, आप लाइक बेहोश हाँ। होने वाले हो तो F1 मसल से आपको देखना पड़ेगा, उसमें होता है वर्क में, होता है वर्क में, मुझे ठीक से दिख रहा नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, वर्क में कॉल हो सकता है, कुछ होता है ऐसे बोला गया मुझे, देख रहा हूं मैं भी। आपको पता है ये F1 से क्या होता है? इससे इससे किससे बोल रही हैं आप? F1 मसल से आते हैं मुझे एक्चुअली ना, मेरा जो F1 मसल में दिखता है ना वो बहुत वियर्ड तरीके से दिखता है, मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक मिनट पूछ लेता हूँ, आई थिंक मुझे एक बार ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। सिंबा सर आप भी चिल्ला रहे थे, आपको ये भी पता नहीं क्या कॉल का? यार मुझे खुद को ही नहीं पता था, क्या कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। बुरा लगता है ना, गिल्टी फील होता है उससे यार। अरे गिल्टी नक्को फील करो, अभी भी क्या कर रही? नेक्स्ट, हेलो क्या हो गया? सो गई, चाबी गुम गई। अरे कोई बात नहीं, बोल रही है लड़की, कीज गुम गई। उसके बोल रही है लड़की, मेरी बहन की कीज कभी घूमती नहीं है, घुमाती है। दिमाग फट गया था इसलिए गुम गई। ओ अरे चलो तुम्हें छोड़ते, कहाँ पे जाने का? वो तार जोड़ लूँ क्या अगर आपकी परमिशन हो तो? ठीक है जोड़ लीजिए। नहीं जोड़ने दीजिए, एक ही तो है। हमारी गाड़ी यहाँ पे और बोलेंगे वो सिंबा से। अरे अरे मैडम, सिचुएशंस में पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ता है। ओ भाई ले लो, ये मैं बोल तो रहा हूँ। ये लो दीदी, देखो पढ़ो दीदी पढ़ो। स्पेंसर जी ये क्या है? सैम शर्मा का क्या है? MBBS MD? ओ वो दूसरा है, वो दे दो, वापस दे दो। क्या बोल रहे हैं आप? अपने ही अपनों को विश्वास नहीं करते। ऐसे नहीं है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ लाइक सर आप फिर उधर बाद ऑफ ड्यूटी होके कहीं शहर से बाहर चलो। आप सैम शर्मा का क्यों दे रहे हो? आप बोलो लाइक कितना देर में? 10 मिनट्स 15 मिनट्स कितने देर में? हाँ आप अगेन आदित्य किसी का दिया है मुझे, दे दो आप जो भी दिया दे दो। क्या कर रही है बे? ठीक है 15 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं, 15 मिनट्स हाँ 15 मिनट्स। ओके थैंक यू, 15 मिनट्स में मैं ऑफ ड्यूटी हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, करते हैं फिर यार। ठीक है हाँ चलिए बाय बाय। और पानी वाने लेकर के रखिएगा, खाना पीना रखिएगा, ऐसा नहीं कि भाई अभी भूख लग रहा है ये हो रहा है वो दिन, राइट? नहीं नहीं ठीक है गार्लिक नूडल्स भाई ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा बिजली जी, बिजली जी हेलो हेलो, ध्यान से सुनिएगा आप। पहली बात यह है कि जब आपको समझ लीजिए कि अच्छा तेल भराना है, इसको तेल भराने ले चलते हैं, सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि आपका कॉल्स आप सिचुएशन में बोलते हो, मैं बोलूं राइट राइट, वो आप इनपुट गो हेड। कैन यू अलाउड नेक्स्ट मैन टू स्टॉल स्टॉलन व्हीकल? 10-4 आई हैव अलाउड हर बिकॉज़ आई चेक द पेपर्स एज़ वेल, बिजली हैज़ आल्सो चेक्ड इट, सो इट्स जस्ट दैट वी डिड नॉट गिव द कॉल ऑन द रेडियो, नो प्रॉब्लम। But she had a code 0, she came back and she was not able to find the keys. That's why the reason. 10 for 10. तो बिजली सुनिए, आपको वो करना ही पड़ेगा, खुद से बोलना पड़ेगा, कॉल्स दीजिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? आप कॉल्स क्यों नहीं देते हो?
रेकलेस ड्राइविंग का 1094 पे ग्रैंड सनोडा पे आया है उस पर लाइक यू नो फटाक से आप उस पर जैसे ही आपका आप खाली उस रिपोर्ट को देखा करो जैसे ही ऊपर में कुछ आता है ना टेन कोड्स आते हैं पट से बोला करो कि कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है सिचुएशन में ऐसे इसको बोलते हैं लीडरशिप लेना कोई सामने ये नहीं बोलेगा कि आपको ये करना वो करना है आप लीडरशिप लो समझ रहे हो ये सक्सेस का पहला मंत्र है यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ कोई थोड़ी आपको समझाने आएगा मतलब वो हाल है तो जब आप ऐसे लीडरशिप लेते रहोगे तो सीनियर्स लोग अपने आप बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है चलो अच्छी बात है राइट ही इज डूइंग हर बिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हो ये समझ रहे हो आप जी यस सर तो फिर डर 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 के आगे जीत है अभी ऐसे ही रखूंगी दिमाग में सर आपकी यूआई ट्रेनिंग हुई है पूरी यूआई की हाँ यूआई की हो गई है यूआई के तो मैं मोस्टली मुझे दिख रहा नहीं है कुछ चीजें वो मुझे ठीक करवानी है पता नहीं क्यों वो चीजें सही से नहीं दिख रही हैं मतलब थोड़ा कंजस्टेड वे में दिखती है आपके में शायद क्लियर दिख रहे होंगे एक बार देखना होगा मतलब मेरा एफ वन मेन्यू ना वो वर्ड सही से नहीं दिखते हैं मुझे मुझे दिखते हैं बट वो कॉल का नहीं पता आप बैठ गई थी अंदर एक बार हां हां बैठ गई थी आई एम 801 आई नीड राइड अलोन एनी यूनिट स्क्रीन X11 शोइंग 4240 I am responding towards the 1019. Please come in my car, but we will be responding to 1067 at Del Perro, please, quickly. 10-4, sir. 751+2 will be also responding to 1067 on Del Perro. I'm too late because I'm currently at 1019. Let's see what exactly happens, okay? So we will respond over there. 10-4, sir. Thank you for your service, DCP. Simba, sir. Thank you for your service. 10-4, sir. Thanks for your service. Sir, thank you for service. Nice. क्या बात है समझ रहे हो आप वो तो बेबी होंगे पहले अब अरे शेरशाह सॉरी शेरशाह सर हां मुझे एक बात बताओ F1 से क्या होता है वो बताओ मुझे रिस्पोंड देना है अरे सुनो हां रुको ये पता नहीं तो एक नहीं नहीं रुको रुको अभी करते हैं अपन हां जरा 2 मिनट रुको ये सिचुएशन खत्म हो जाए 67 इज सीम्स टू बी कोड फॉर Nearby. Check in the parking lot areas. 10-4 sir. मेरे लिए सीन ये है ना कि उस चीज के लिए आपको पहले डाउन होना पड़ेगा समझ रहे हो नहीं तो आप नहीं कर पाऊंगी उससे नोटिफिकेशन चला जाता है क्या ऑफिसर डाउन का आया था मुझे yes. मेरे F1 मसल में वो इन्फॉर्मेशन ही सही से नहीं दिखता पता नहीं क्या इशू है बहुत क्लमजी कैरेक्टर्स दिखते हैं आई डोंट नो देख लेंगे उस पेंसर सर कॉल करना पड़ेगा मुझे हेलो मीनाक्षी जी नमस्कार क्या हाल चाल है आपके वेलकम टू स्ट्रीम सब लोग लाइक मारे यार सब लोग चुप हो गए पूरा 100 लाइक्स होते होते 100 लाइक आज 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 एकदम सब शांत हो मुझे कल रिपोर्ट बना के देना ही पड़ेगा आर्थर का साथ में आर्थर आया ही नहीं आज यार आपके रैंक क्या है सर अभी प्रोविजनरी ऑफिसर हूँ मैं हाँ नहीं फिर आपको भी नहीं बोल सकता मैं कुछ दिन रुक जाओ अगर सब कुछ सही रहा ना तो पूरा टॉप का टॉप रैंक पे जाऊंगा लेट्स सी अरे सर वो उसका दिक्कत नहीं हो उसका दिक्कत नहीं है रैंक क्या है सर आपकी मेरी प्रोविजनरी नहीं है तो ट्रेनर ऑफिसर बनना चाहिए सर एफटीयू जिसको बोलते हैं एफटीयू इट्स अ कोड फॉर फ्रॉम 751 आल्सो रुको रुको एक्नॉलेज एक काम करो इधर रुको आई टू शंटी सर यस सेंड इट कैन यू कम एट माय 20 नियर बीच 10476 67 इग्नोर कर दो मैं
क्या हुआ? अरे शॉर्टी सर एक दिक्कत ऐसी। आज एक हेल्प मुझे भी चाहिए। आफ्टर डाउन तुम लोग क्या करोगे? आफ्टर डाउन तुम लोग F1 मसल फ्लेक्स करोगे ना, तो उधर ऑप्शन आ जाएगा 1090 1014A और 14B। अगर आप खुद से डाउन, आप खुद से डाउन हो गए तो 14B करने मतलब खाना पानी या एक्सीडेंट से, और अगर कोई आपको मारता है तो A करना है आप। F1 मसल फ्लेक्स करोगे गाड़ी से गिर जाते तब, अगर खुद से मारते हो इमरजेंसी ये नहीं है। अगर आपको कोई मारता नहीं है तो 90 कोई मतलब तो बी बी करो, और अगर आपको कोई मारता है तो ए करो। मतलब खुनल खुनल के अगर घिर्रा करके अगर मार देता है तो ए करना है आपको। और पोपटलाल मेरा कोई हेल्प कर दो यार, मुझे तो F1 मेनू सही से नहीं दिख रहा यार मोबाइल में। क्या हो रहा है उसमें? वो कैरेक्टर्स पूरे ऐसे लग रहे हैं चार्जिंग ही खत्म हो गया, चिपक गए हैं, मतलब लाइक चिपके हुए कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें, मतलब सब स्लो साफ नहीं दिख रहा। नहीं साफ नहीं दिख रहा, हर एक चीज साफ नहीं दिखती। ऐसा लगता है फॉन्ट का इशू है, ऐसा लगता है मोबाइल में। स्क्रीन 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 गई तुम्हारी, स्प्रेड हो गई। नहीं रिपेयर करो, रिपेयर नहीं, F1 पे इमोट सिटीजन वॉक स्टाइल जो भी है ना, वॉक स्टाइल वॉक जो भी लिखा हुआ है ना, उसमें जो है वो कैरेक्टर्स जो नीचे लिखा हुआ है वो सही से नहीं दिखते। हाँ मेरा भी सेम सीन है, मेरा भी सेम सीन है। क्यों? अगर सुनो, अरे तुम लोग स्निपेट डालो, सॉरी स्क्रीनशॉट क्या सॉरी 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 इग्नोर 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 कोई ना कोई सुनो 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 अगर मैं स्क्रीन शॉट निकालो और वहां पे डालो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेरा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा भी नहीं होता है। नहीं नहीं सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा, हम अगर आर्मरी में जा रहे हैं ना, अगर उधर कुछ सामान है, अगर लाइक समझ लो आईपैक लिखा हुआ है वहाँ पे, सो वो नाम इतना मीठा हुआ है ये पढ़ने भी नहीं जा रहा किसी भी चीज का। ओके समझ रहे हो भाई, मेरा भी वही है भाई। आपके फोन के सेटिंग में रिजोल्यूशन की तरह कितना रखा? हाँ बता रहा हूँ, रेंडर रिजोल्यूशन एडवांस या फिर नॉर्मल? ना ना रेंडर रिजोल्यूशन ग्राफिक्स में फोन के जरा हाई है। और कितना है रेंडर? 1080p 1080 है ना? हाँ गुड वही। हाँ आपका क्या है स्पेंसर सर? मेरा हाई था, मैं अभी वापस से कर रहा हूँ, देखता हूँ। उसको 1080 कर दो, 1920x1080। हाँ 1080 कर दिया, मेरा अभी भी वही है। 1920 यानी 1080 कीजिए सर। हाँ तो 1920 1080 किया मैंने। उसका संबंध नहीं है, तो उसका संबंध नहीं, फिर कुछ और दिक्कत है। देखते हैं, रुको आप एक बार वो उसका फोटो मेरे को भेज दो या बिजली को भेज दो, देखते हैं। हाँ दोनों को प्राइवेटली मेरे को पब्जी में लेके भेजते हैं किक को। ना ना बाद में वो देखते हैं, अभी बाद में हो कुछ अभी। ये मेरा पहले दिन से ई मसल से टैकल होगा, जिसको नहीं पता बता दूं ई मसल। और जंप इसके जैसा जंप मत करो, नहीं तो खुद गिर जाओगे। ऐसा काम कितनी बार? अरे मत करो रे तुम लोग। मैं कहीं अपलोड कर सकता हूँ? अरे मत करो रे यार तुम लोग, अरे मत करो, पागल हो गए हो क्या? नहीं कर रहे। सुनो अपलोड चलो बैक टू ड्यूटी चलो, अपलोड तो नहीं कर पाओगे शायद कहीं पे। बिजली का ही एक्टिव दो निशान बिजली जी, किसी को भेज दो, बिजली को भेज दो या तो फिर मेरे को भेज दो। हाँ भेज दो स्पेंसर सर मुझे, मैं देख लेती हूँ, मतलब मैं नहीं मेरा भाई देख मेरा फ्रेंड देख लेगा। अरे मत करो मत, कुछ काम की नहीं है, ठीक है कुछ काम की नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, भेज दो बस मुझे। सर आपकी वो नकली गोलियों से कुछ नहीं है। अरे कॉम्बैट ट्रेनिंग करते ना हम, चलो चलो कौन कर? अरे सुनो ना करनी है सर, शांति सर। हाँ हाँ चोर पुलिस गेम प्ले, चलो आ जाओ कॉम्स की ट्रेनिंग करते हैं। शांति सर कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है ना? कॉम्बैट कॉम्स की क्या होती ये? चलो कॉम्स करते हैं जी। मैंने मैंने भेज दिया है,
थोड़ा समय लग रहा है। हाँ अभी जस्ट भेजा। क्या भेजा? एक मिनट। बहुत अच्छा पत्र है, खुद का पत्र है उसमें। यार ये कैसी बात हुई यहाँ? बिजली जी मैंने पत्र भेजा है आपको, पत्र पत्र लिखा है मैंने आपको, पत्र लिखा है आपको, पत्र प्लीज उसको देखिए और कारण की एक्शन लीजिए, टिप्पणी दीजिए उस पे। पता नहीं क्या सीन है, क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ वो कोई ना, वो हो जाएगा, अभी टेंशन मत। मतलब कुछ ऐसा लग, मीठा मीठा फॉन्ट लग रहा है कुछ कुछ। क्या लग रहा है? मीठा मीठा स्मॉल स्मॉल फॉन्ट है ना। हाँ कुछ ऐसे ही। हाँ मीठा मीठा फॉन्ट ठीक है। आप में ना थोड़ा सा चुप बैठो, मार खाओगे मेरे हाथ से। सब सब पगला गए और कुछ नहीं। बोलो 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 बिजली, अब भी ठीक करके देती हूँ बिजली बिल। रुको सर सर, अब भी ठीक करके देती हूँ। फॉन्ट का कोई इशू है क्या? आई डोंट नो, फॉन्ट का इशू है ऐसा लग रहा है। घर फोड़ दूंगी। बाद में सुनो ना। स्पेंसर सर बाद में बात कीजिए। ओके बाद में अभी यस जी मैंने भेजा है ना। ठीक है दोनों बाद में बात कीजिए मेरे फ्रेंड से। अरे शोंडी मैडम टैकल नहीं होती, सॉरी वो नहीं होता। अरे बोलो ये मैडम बैठो रे तुम चुपचाप। चला 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 चलो नहीं होती टैकल। हाँ मुझे वहाँ भेज दो, दिखाओ इन्हें टैकल करके दिखाओ कोई। अरे मतलब नहीं होती टैकल बाबा, ये हंसते हो कैसे? टैकल नहीं होती कभी। अरे बूढ़ी अम्मा क्या देख के गाली दे रही है मुझको। अरे मैं गिरती नहीं हूँ। अरे बैठो रे रॉकी। हेलो बस क्या हाल चाल है? वेलकम टू स्ट्रीम गाइस, वेलकम टू स्ट्रीम। सभी लोग लाइक मारो यार। एक ऑफिसर ने रॉकी सर के अगेंस्ट, रॉकी सर के अगेंस्ट जो अभी रॉकी को हम सब टॉर्चर वो कर दिया। वो मर्डर 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 पुलिस पुलिस मर्डर 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 गया मर्डर गया। 1 2 3 4 5 ऑफिसर भाई मुझे 19 छोड़ दो प्लीज, आई नीड टू गो 42। अच्छा अच्छा ओके ओके सर छोड़ो छोड़ो सर इतनी जल्दी। हां कुछ और काम है भाई। यार ये तो सब जगह दिख रहा वैसा भाई, ये तो सब जगह दिख रहा वैसे मिट्टी मिट्टी फॉन्ट्स। हां अरे इग्नोर कर रहे। एक मिनट आप में जेब देख रहे हो, उसमें भी ऐसे ही दिख रहा है क्या? हां जेब में भी दिखता है वो। हां तब तो ये वन टू मेनी प्रॉब्लम है। अरे सुनो ये मेरा पहले दिन से मैंने इग्नोर किया उसको, मैंने इग्नोर किया उसको, मैंने भी बहुत इग्नोर किया है, अब नहीं इग्नोर होता। अरे वो तो मैं जानता ही हूँ ठीक हो जाएगा। चलो हमारे स्पेंसर सर को जाना है घूमने, हम पानी वाली नहीं है जाना है ऑफ ड्यूटी दो बिजली जी। हाँ थोड़ा यार ऑफ ड्यूटी का भी काम कर ले वरना नहीं होता। अरे भाई अच्छा सामने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना। यस सर उंडी लगा लो सैया। नहीं ये नहीं है वो। अरे क्या है क्या है ये? अरे गाना गा रहा मैं, क्या बात कर रहे तुम, गाना भी ना गाओ। ये कौन सा गाना है, किस फिल्म का गाना है? उंडी लगा लो सैया उधर को जन्नत दिखा। अरे ये कौन सा फिल्म का गाना है? मुझे भी नहीं पता। गाना है बस फिल्म भी अपना संबंध। अरे वो तो मैं समझ गया लेकिन जिस आवाज में आप कर रहे ये ऐसे क्यों करना है? नॉर्मल भी बोल सकते हो। और ये मैं चिपक रहा हूँ शायद क्योंकि आपने मुझे यहाँ। अरे बाप रे बाप। जी मैम जी 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 अभी ख्याल रखिए। और हाँ कॉल्स दीजिएगा ओके, कॉल खुद से दीजिएगा। और कुछ बन गया आप दोनों का तो मुझे भी बता दीजिए। अरे मैम ऐसा कुछ नहीं है, सामने प्रोग्राम्स में देखते हैं कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए। बनाऊंगी आपको मेरे को एलटी बनना है, सपोर्ट करो। अरे बाप रे बाप। अच्छा ठीक है देखता हूँ मैं। मेरा दार है मेरा तुमसे प्रोविजनल ऑफिसर स्पेंसर जोन्स गोइंग 1042। थैंक यू ऑल फॉर योर सर्विस। भाई हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। नमस्कार आज के मुख्य समाचार।
मिले हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी जस्ट व्हाट आर यू गया मैं एक मिनट बस सिविलियन क्लोथ्स पहन लूँ बस इंतजार कर रही हूँ मैं एक मिनट अरे कहाँ हो आप बैंड बज गई है Hello? मुझे आपको मिलना होगा एक मुझे आप क्लोथिंग स्टोर ले जा सकते हो आसपास में प्लीज मेरे पास सिर्फ पुलिस वाला ही दिख रहा है मैं पीडी में हूँ आई मैं आई थैंक्स यू सीन हो रहा है तो गाइस मैं अपना ना पहले हथियार हथियार रख दो बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके इधर देखो गाइस तो रखना पड़ता है गन इधर ओके राइट और उसके बाद ट्रैकर भी इधर पुलिस की चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे पास समझ रहे हो थोड़ी भी दूर करो रेडियो एक रख दो एक रहने दो कोई बात नहीं खरीदा ही था एम्प्टी एविडेंस पैक रेंटल पेपर्स है मेरा लेजर कार्ट्रिजेस जी बाहर पीढ़ी के बाहर हाँ आया आया बस मुझे एक्चुअली थोड़ा थैंक यू फॉर द राइड मुझे एक्चुअली कपड़े चेंज करने हेलो सत्तो इस पैसे हैं तो मेरे पास हाँ है 281 है 281 में हो जाएगा शायद अरे थोड़ा सजेशन देना तो प्लीज लॉक वॉक करके आओ गाड़ी पता नहीं क्या पहन रहा हूं मैं मेरा है ही नहीं वो पता नहीं क्या कुछ मालूम ही नहीं है गाइस इसमें क्या करें देखते हैं गाइस क्या सीन है तो वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग आउट ओके देखते हैं इफ इट वर्क्स आउट इट विल बी गुड हम लोग शोकेस कर सकते हैं कुछ उसमें जब भी हम लोग का इवेंट्स इवेंट्स होता है सकते हैं फील करके गाइस मजा आएगा जी भाई यहाँ पे कुछ भी डिकल्स लगे हुए हैं मालूम ही नहीं है कब का ठंड लग रही है गाइस इसी बात करना पड़ेगा बाप रे बाप
अरे थोड़ा हेल्प मांगा था भाई, आके कर देते यार। अभी क्या हो रहा है गाइस पता है, डेटाबेस से ना इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रहा है राइट, सो थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स व्हाट इट इज, गेट बैक इट, पता नहीं क्या बना। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, आवाज नहीं गया होगे क्या, आवाज़ नहीं गया होगी क्या, समझा नहीं मैं भाई। आज अर्थन नहीं आया यार, मुझे उससे वो रिपोर्ट वपोर्ट सब करवाना था भाई, समझ रहे हो आप, इतना काम पड़ गया रहे। अरे तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है इसका क्या सीन है भाई, जीरो करने से होगा नहीं क्या देख रहे हो आप, ये सब देख रहे हो, जो नहीं करना वही हो रहा है मेरे साथ में। अभी कुछ भी उल्टा पुल्टा पहन लेते हैं यार, क्या है इसको, सेव कर तो सेव भी करना पड़ता है, समझ रहे हो। ओपन क्लोथिंग चेंज आउटफिट बिफोर, सॉरी ओपन क्लोथिंग चेंज आउटफिट ये ठीक है, ये वो भाई साहब पता नहीं कैसे आ गया ये। सॉरी यार मेरे, मुझे कुछ मालूम नहीं है शर्ट कहाँ है, कौन से सेल्फ में है, क्या है, नहीं मालूम, नहीं करता गिरीश, थोड़ा वहाँ पे चलो जहाँ पे थोड़ा एकांत हो, हाँ शांति हो, और वहाँ पे शांति शोर से एरिया देख लो करो। स्टूडियो स्टूडियो नहीं है यहाँ का कहीं, अभी तो है नहीं जो खोलता। अब जाके ऑफ ड्यूटी हुआ मैं, डर तो नहीं साथ बैठने, हाँ डर तो नहीं लगेगा मेरे साथ बाइक चला रहे। अरे नहीं नहीं हो गया, ऑफ ड्यूटी हो गया। सिविलियन स्पीडी के कपड़े पहन सकते हैं क्या, नहीं सत्तू
ब्रो आप रियल लाइफ में कुछ स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो? नहीं करता गिरीश। ऑफ ड्यूटी? हाँ भाई ऑफ ड्यूटी हो गया भाई, बहुत दिनों बाद ऑफ ड्यूटी हुआ मैं। नेक्स्ट इवेंट कब है? पता नहीं, अभी बात नहीं। आई थिंक 2 या 3 दिन बाद। दो या तीन दिन बाद? ओके ओके। अरे लोगों ने गाड़ियां खरीद ली क्या? हाँ? अरे नहीं, वो स्पेशल लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं खाली वही सोच रहा था कि क्या सीन है। वाह भाई अचानक से गाड़ी ले रहे हैं। बच गई। और क्या? यस यस, हैवी ड्राइवर हूँ मैं। आप इतने मैच्योर हो सर, मुझे कुछ बता दो, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, मुझे बहुत हार्म कर रही है फिर भी मैं कर रहा हूँ। गिरीश एक मिनट, हाँ मुझे कुछ सवाल कोई पूछा है तो मुझे आंसर देना उसका, एक मिनट हाँ तो दिमाग में। गिरीश भाई देखो कैसे बताऊं, मैं इसके लिए क्वालिफाइड तो नहीं हूं, कोई मेरे पास ऑफिशियल डिग्री नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको कोई सजेशन दे सकूं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, एक सेकंड आप पानी पी रहा हूं। कि लाइफ में एक गोल रखिए गिरीश भाई, लाइफ में एक गोल रखिए, गोल ठीक है। अगर आपके दिमाग में एक लाइफ में गोल रहेगा ना कि हाँ मुझे ये बनना है, तो आपका सारा एनर्जी उस गोल की तरफ होना चाहिए। दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये कैसे होता है कैसे करना पड़ता है, क्या गोल का मतलब क्या है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। राजकुमार वाईटी गुड नाइट सर, स्टे सेफ। क्यों जा रहे हो राजकुमार, अभी तो एक ही हो जाए। अरे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कोई आया है क्या यहाँ पे? नहीं ये, अरे ये तो ऐसे लोग ट्रैकिंग पे जाते हो, गाड़ी यहाँ खड़ी करके चल जाते हैं। गांव वाले लोग ना, साइड वाले गांव वाले लोग। तो अगर आपके पास एक गोल है लाइफ में गिरीश जी, तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास गोल नहीं होता वो पता नहीं क्या क्या करता है। फेवरेट जगह है? ओके ओके ओके। एक मिनट सामने आइए। आप रे, मैं हाल ही फिलहाल में यहां आने से पहले, पता है यहाँ आने से पहले मैं गया था फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस की एक, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है माउंटेन एरिया में, ओके मतलब ऑलमोस्ट लाइक यू नो बर्फ बर्फ बन जाता है उसका क्रिस्टल्स, राइट? बाप रे बाप क्या सीन था वो, ब्लू आइस देखा है आपने कभी? चिढ़ा रही ना मैम, सुनिए मेरी बात, ब्लू आइस देखा है कभी आपने? ब्लू आइस, ब्लू आइस मतलब नेचुरल ब्लू आइस, ये नहीं कि रंग डाल के अगर बता रहा है तो नहीं देखी। तो वो इतनी ट्रांसपेरेंट ब्लूइश ना, हाँ वो इतनी एज्ड आइस है, मतलब पहली बार मुझे बर्फ देख करके डर लग रहा था, कैन यू बीट दैट। भाई साहब क्या ही सीन था वो, इट्स वेरी नाइस, बट हाँ वही है ऑफकोर्स।
अब बताओ गिरीश जी, समझ में आया आपको? तो टेल मी गिरीश जी, बताइए क्या करना है. व्हाट व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर योर प्लान्स? व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं सोची ना, मैं ना कभी कभी ना घर पे बैठ के ना पोइम्स लिखती हूँ, बता आप. ओके, आप हाँ पोइम्स लिखते हैं? या कभी गूगल? नहीं नहीं खुद. अच्छा खुद, ओके. और ये तो अच्छा टैलेंट है. सोच रही थी आप मेरी पोइम को आवाज दे दो तो कितना ही अच्छा रहे. क्या आपकी आवाज बहुत अच्छी. आपको लगता है मैं इस लायक हूँ? इसलिए मैंने पूरे शहर में आपसे पूछा. ओके बाप रे बाप, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मैम. और मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी ऐसे म्यूजिक बहुत पसंद है. Mm-hmm. तो कुछ भी हो हम डुओ में सॉन्ग्स भी कर सकते हैं if you want. I can try, I can definitely try. We can do that. Experience मिलेगा इन सब में. हाँ वैसे देखिए मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ हाँ कि अच्छे से करूँ इस चीज़ को, है ना. लेकिन हाँ एक बात है कि देखिए शहर में बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उनको समझ में आना चाहिए कि हम लोग ये प्रोफेशनली कर रहे हैं, राइट. तो इसको आप थोड़ा समझ रहे हो, बिकॉज मेरा फोकस जो है मेरा काम है. मैं इतना निकाल करके टाइम आया लाइक बिकॉज आप समझते हो, राइट. यू आर मैच्योर्ड इन दिस सेंस. तो ये लेकिन हाँ 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 यस प्रोफेशनल फ्रेंड्स. हाँ अरे वाह, ये अच्छा टाइटल दिया आपने, हाँ ये अच्छा टाइटल दिया प्रोफेशनल भी. हाँ सही है. तो ये बताइए कि फिर लाइक कैसा, लाइक क्या क्या सोचा है, हाउ यू वांट टू गो अबाउट डूइंग दिस, कैसे? अभी मैंने बात की है स्टूडियो का. तो अगर वो हो जाता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है. और लाइक इवेंट्स वगैरह होते हैं तो जी समझ गए ना गिरीश भाई. मैनेजमेंट के क्या लगता है, सही बोला गलत बोला क्या चीज? ओके हाँ अच्छी बात है. तो उसमें मैनेज के साथ हम खुद की वॉइस एंकरिंग वगैरह ये सब करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. ऑफ कोर्स डिफरेंट, ऑफ कोर्स. इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट किया. तो लाइक मैं ये चाहता हूँ कि लाइक यू नो चीजें सही. तो अगर अगर जैसे शहर में कुछ भी चीजें हो रही है ना, है ना, उसमें परफॉर्मेंस हो, बहुत लोग मतलब हम आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है. मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ आपको कि और भी लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग भी करें. लेकिन हाँ ये नहीं कि भाई बस कुछ भी आके बोलते. देखो एक होता है कि भाई आदमी गाना गाने आता है, ठीक है, और उसके बाद आगे कुछ भी गाता है तो वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लोगों को खराब लगेगा. यस गिरीश मैं सही जा रहा हूँ. अच्छा अच्छा मजा आएगा इस अगर कुछ कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा. आपको वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है. मुझे देखो मैम, मैं क्या बताऊँ, काम के वजह से इतना वैसा रहता हूँ मैं. बिकॉज पॉइंट ऐसा है कि अब ऑफिस का काम आ गया, राइट. पेट्रोल्स पर रहता हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, बीच बीच में सिविलियंस की भी मतलब बात सुनने पड़ती हैं, राइट, क्योंकि पब्लिक रिलेशन मैनेज करना पड़ता है. अब पब्लिक रिलेशंस जो होता है उसमें तो मेहनत लगती है ना, है कि नहीं? ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. हाँ वही तो, बस वही है कि लाइक ये सारी चीज़ें हैं. वैसे आई मस्ट से कि अगर हम लोग कुछ क्रिएटिव कर सकें तो भाई तब तो शोज में लाइक यू नो हम लोग कुछ कर सकते हैं, विल बी गुड, है कि नहीं? आपका दिमाग कहीं और लग रहा है मुझे. नहीं नहीं अच्छा मैं इसलिए बोल रही थी आप थोड़ा अच्छे से सोच पाओ इस बारे में. आप सोच के जो जो चीजें होती हैं आप मेरे को बता देना. मैं तो बोल दूंगा मैम, मुझे कोई इशू नहीं है, तो बता ही रहा हूँ आपको. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लाइक आप भी सोचो कि क्या क्या हो सकता है. मेरा इतना नहीं चलता दिमाग, दिमाग की थोड़ी कमी है मेरे में लोग बोलते हैं. अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो आप यू नो डूअर्स में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. आप लिरिसिस्ट हो, राइट, यू आर द राइटर, राइट. आई विल डू दैट.
एंड यू विल गेट ड्यूअल ड्यू क्रेडिट जिसको बोलते हैं कि जो क्रेडिट है वो तुरंत मिल जाएगा राइट दैट विल बी देयर सो और नरेट करूंगा मैं उसे आई विल पुट थ्रू म्यूजिक उसे सब घुसेड़ दूंगा उसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है डजंट मैटर मच दैट इज व्हाट इट इज और क्या और दूसरी बात यह है कि मतलब थोड़ा क्रिएटिव कंटेंट होना चाहिए जैसे कि आप जो लिख करके लाओ राइट हाँ जी कुछ लिखा है आपके पास में फिलहाल हाँ अभी राइट एग्जैक्टली आप कुछ बोल सकते हो हाँ आपको लगता है कि इस झरने के पास में सुनाई देगा ठीक से सुन जाएगा रफली तो सुनी जाएगा आपको नहीं ऐसे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा लग रहा है मुझे उठिए ना आप प्लीज गेट अप हम फर्स्ट अरे ये जगह सही है ये खतरों वाली जगह है ये दिख रही है ये अगर इसमें चल के जाएंगे तो पक्का बह जाएंगे हमको लग रहा है हाँ जी इधर बैठ यस अरे 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 अच्छा इधर बैठ जाओ यस तो ऐसे वो चलती रहती चेयर लगा ले क्या नहीं नहीं ऐसे down to earth okay बताइए क्या ही सुनना चाहोगे आप मेरे को अभी जिस पे आपका वॉइस ओवर और मेरे को डुओ चाहिए ना वो मैंने पोएम लिखी लाइक अ डिफरेंशिएशन लाइक अ चाइल्डहुड एंड अभी का एडल्ट एज तो मैं आपको थोड़ी सी लाइन सुना देती थी आप फिर बताना मुझे ओके गौर से सुनना पड़ेगा सुनाऊं आपको क्योंकि अभी सुनेंगे तो फिर पुरानी हो जाएगी सबके सामने दैट डजंट मैटर ओके हम्म तब खिलौने बहुत सारे थे हमारे थे तब खिलौने बहुत सारे थे हमारे थे अब बस एक दिल है जिसे लोग अपना खिलौना बना लेते हैं तब 4 फुट का सोफा कम बेड भी मुझे नींद में समाने के लिए काफी था अब सपनों से भरी आंखों को आसमान की चादर भी जरा छोटी लगती है मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता इसलिए मेरे को आपकी हेल्प चाहिए अरे वो कोई नहीं मैं तो बस मैं सुन रहा हूँ हाँ आपको बचपन में आपने कभी वो खेला है गली में मॉम जिस बेड से कपड़े धोती थी वो ले जाके अपना बेड बना के खेलते थे हमने लाइक बचपन में वो चीजें कि तब बैट मेरा होता था नियम भी मेरे होते थे तब बैट मेरा होता था नियम भी मेरे होते थे अब गेंद उनके पाले में है नियम तो बहुत है पर ये कोई खेल ही नहीं है लाइक अ कंपटीशन ही कंपटीशन है कोई गेम ही नहीं खेलता सब सीरियस बिल्कुल लाइक बहुत सीरियस है लोग ओके काफी अच्छा है बहुत डीप है आगे बचपन में सब आसान लगता क्योंकि अपन जो डिमांड करते थे पूरी होती थी अपनी हां और अभी बहुत ही डिफरेंट तब रास्ते लंबे नहीं थे मंजिलें ऊंची नहीं थी कि तब रास्ते लंबे नहीं थे मंजिलें ऊंची नहीं थी अब सड़कें जरा टूटी हुई हैं मंजिल पाने के लिए अक्सर गिर पड़ते हैं वाओ आप थोड़ा शाउट करके बोलिए अभी नॉर्मल में थे ना हाँ जी अभी ठीक है ओके हाँ हाँ बचपन में डरते थे ना मतलब अंधेरे से डर लगता था सब सबको लगता था आई थिंक मुझे तो बहुत लगता था तब देर तक जागने से डरते थे भूतों की कहानियाँ सभी सच्ची लगती है कि तब देर तक जागने से डरते थे भूतों की कहानियाँ सभी सच्ची लगती हैं अब दिल को कोई जरा सा झूठ मूठ का ही लूट ले रात रात भर ऑनलाइन रहते
ये बहुत ज्यादा डीप चला गया ना. रात रात भर ऑनलाइन. सही है, ऑनलाइन रहते बस. हाँ सिर्फ ऑनलाइन है ना, और कुछ नहीं. हाँ सही है. अपने लोगों को टाइम भी बहुत अच्छे से देते थे, अभी तो कहाँ ही टाइम मिलता है किस. कि तब घड़ियों का ज्ञान कम था मगर वक्त बहुत था. कि तब घड़ियों का ज्ञान कम था वक्त बहुत था, अब घड़ियों में ही सारा वक्त निकल जाता है. टाइम मैनेजमेंट. वाह भाई वाह 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 वाह. अभी जो लाइन से ना लाइक कुछ जो बाहर रहते ना, घर पे नहीं रहते स्टडी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, उनके लिए तब रोटियां गरम होती थी, उन पर ठंडी फूक होती थी. बचपन में से साथ बैठे होते थे मॉम के, कभी खाना खा के फिर जाते थे. तब रोटियां गरम होती थी, उन पर ठंडी फूक होती थी. अब रोटियां ठंडी होती हैं, उन पर गरम फूक होती है. तो थकान उसकी फूक वो वाली. हाँ थकान वाली लाइक अटैक. हाँ हाँ आई नो. तब मेरी भूल को भी भूल से कोई गलती नहीं कहता था. तब मेरी भूल को भी भूल से कोई गलती नहीं कहता था. अब मेरी भूल से भी भूलने को लोग गुनाह बना देते हैं. क्या बात है भाई. आपने चंपक कॉमिक्स पढ़ी है? देखी है, पढ़ी नहीं है. मैं किसी का मजाक उड़ा रहा था उसको लेकर के. बोलता था क्या रे चंपक. जाने दो. Yeah. उसी के ऊपर लिखी अभी लाइन. तब चंपक और सिलेबस दोनों साथ में दो दो बार खत्म हो जाते थे. वो आती थी ना छोटे मोटे, आती थी न्यूज़पेपर के साथ. वीक में आई थिंक 50 डेज में एक बार आती थी. तब आपका किस न्यूज़पेपर के साथ आता था, कौन से न्यूज़ पे? बहुत पहले, अभी नहीं आता. वही तो छोटे थे तब दोनों आते थे न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर आते थे दोनों के साथ आते थे. वही वही वही. और उसके अलग से आई थिंक 4 रुपीस का एक. हाँ एग्जैक्टली 4 रुपीस की, 4 या 5 रुपीस की होती थी. हाँ हाँ वही वही आती थी तो मजे आते. हाँ ऐसे लेके जाते थे स्कूल दिखाने लोगों को, देखो हमारे घर पे आती है ये. और फिर क्लास में से सब्सक्रिप्शन ही बहुत बड़ी बात थी. फ्लेक्स मारते थे. हाँ सब्सक्रिप्शन ही बहुत बड़ी बात थी. बोले सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास? अच्छा. और ऐसे ऐसे पता है लाइक मेरे डैड का कभी कभी ट्रांसफर होता था गांव में, तो हमारे टीवी पांडे जी के निकट. अरे क्यों क्या हो गया प्रशांत जी? 2 बजे से बच्चों के वो मूवीज ड्रामा से स्टार्ट होते थे 2 से 4 के बीच में. वो सोन परी वगैरह जो जो तो था. जी जी जी. तो ऐसे ऐसे बैठते थे बैग लेके सारे मेरे आसपास के फ्रेंड्स सब आके हमारे घर पे बैठते थे. क्या ही दिन थे यार. अभी तो दिखे इतने साल हो गए. बात तो सही है, बात तो सही है. चंपक और सिलेबस दोनों साथ में दो दो बार खत्म हो जाते थे. अब एग्जाम से एक रात पहले व्हाट्सएप पे मोस्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे लोग, हम ही चंपक बना देते हैं. सही भाई सही. लेकिन लेकिन ये सिलेबस वाला मतलब क्या सब्सक्रिप्शन वाला जो है वो बहुत ही लाइक अगर वो भी इंक्लूडेड होता ना तो वो भी और ओरिजिनल हो जाता, समझ रहे हो? मैं बोल रही ना आप मेरी हेल्प करो, अपन इसको चेंजेस करते थोड़ा बहुत आपको और वॉइस भी ओवर भी करेंगे फिर. ठीक है अच्छा है. लेकिन देखो कंटेंट तो बहुत अच्छा है. कंटेंट राइटिंग कितना करते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है, गुड है. देखो जब मैं तभी करती हूँ जब मैं गुस्से में होती हूँ फिर सैड होती हूँ. जी मैं जब सैड. व्हाट इज दिस भाई? कुछ भी चल रहा है. सही है सही है सही है. नहीं देखो एक्चुअली क्या है ना कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक अभी जैसे इवेंट आया राइट राइट उसमें कुछ हम लाइंस भी बोल सकते हैं, कुछ आप भी बोल सकते हो राइट. मैं सिर्फ लहजा आपको सिखा दूंगा, वो भी कर सकते हो, या आप अपने नेचुरल आवाज में उसे बोलिएगा. बस थोड़े एहसास की जरूरत है. शायद मुझसे भी कुछ गलतियां हो, शायद मुझसे भी कुछ गलतियां हो. पांडे जी के सामने बोल दिया ना, और निक्स ने किस बारे में?
तो ओके अभी तो यही है, मैं आपको बाद में सुना दूंगी। और क्या, और दूसरी बात यह है ना कि थोड़ा थोड़ा और एहसास, जो चीजें जो मिसिंग है राइट लाइफ में, क्योंकि मेरे को नहीं है इतना, ठीक है उसको थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, उसको उसको करवाएंगे जिससे लोगों को अच्छा लगे। अगर लोग अपने से कनेक्ट कर पाएंगे तो और मजा आएगा, है ना, ये बात तो है। और दूसरी बात ये, देखिए अगर स्टूडियो हो जाता है तो भी अच्छा रहेगा, और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, सब लोग भी बहुत इंटरेस्ट होगा कि हाँ भाई हमें भी कुछ करना है ऐसा, राइट, ये भी तो है ना। अच्छा चीज रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर एक दो तीन लाइन लिख, लॉन्ग डिस्टेंस, अच्छा हाँ। अच्छा ना बड़ा नहीं, बस थोड़ी, ये दूर से मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं, दूर से मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं, यहाँ तो नजदीकियों में भी लोग सवाल करते हैं, ट्रस्ट इशू, यस, इनकी दूरियाँ मजबूरियाँ अलग बात है, कुछ भी कहो ये मोहब्बत बेमिसाल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्ट्रगल, स्ट्रगल नहीं है स्ट्रगल नहीं है, मुझे तो इंटेंट लगता है, वो पता नहीं क्यों, अगर नियत नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो कुछ भी हो, अगर नियत नहीं है इंसान के अंदर तो कुछ नहीं कर सकता, हो नियत होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है। इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे यार समझ नहीं आ रहा वो चीज़, वो वर्ड इंटेग्रिटी क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, इंटेग्रिटी, हाँ कि मतलब जैसे कि आप अपना काम सही तरीके, ईमानदारी, ईमानदारी इसको बोलते हैं क्या, शायद शायद समझ लो, ईमानदारी समझ लीजिए, ठीक है, तो ईमानदारी किसको कहते हैं कि जब आप एक काम को करो राइट सबके सामने राइट और 100% करो, मतलब जब जब कोई आपको देख रहा हो उस काम को आप 100% से करो, है ना, ठीक है, लेकिन जब आप जब वो कोई नहीं देख रहा हो फिर भी आप उस काम को 100% से करो उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। और इंटेंट होता है इरादा, अगर इंटेंट ही नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चाहे किसी दोस्त को हेलो हाई बोलना हो, या किसी के बारे में केयर करना हो, या खुद के बारे में केयर करना हो, इंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इरादा होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी लिखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, इंटेंट बहुत बहुत बड़ी बात होती है, इंटेंट भी लिखिए। अभी आपने मेरे को बताए हैं तो थोड़ा ट्राई करूँगी, हाँ करिएगा, तो हाँ ऐसा हो कि ये चीज़ है इसके बारे में सोचूँ बस, एक स्पेशल, हाँ हाँ पांडे मारमा पांडे जी का सामना निक्स को बेबी बोल आई लव यू बोल देता नहाना तो इसीलिए पांडे जी गुस्सा होता, अरे प्रशांत जी तो आरती है यार, मेरी फ्रेंड्स वगैरह का, तो पांडे जी का, अच्छा मैं समझा, और मेरी फ्रेशर थी, ओके ओके, तो सिर्फ मैं एक टाइम के बाद शाम को कॉलेज जाओ फिर शाम को अकेले बैठ जाओ, हां तो वही डिफरेंस कर रही थी मैं एकदम से, तो मैं सोची कि मैं कुछ लिखती हूं, ओके तो मैंने ये लिखा, गुड 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 गुड, आइडिया बुरा नहीं है, प्लस आपके इंटेंट भी अच्छा है, लाइक यू नो यू हैव सम कंटेंट देयर, तो उस बारे में तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, गुड पॉइंट गुड पॉइंट। और जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है वो तो मैं यू नो गाना थोड़ा पहचान करके उस हिसाब से कर लूँगा, मतलब कैसा क्या है देखना पड़ेगा, या गाना हो या तो फिर कोई कोई अब ये रिसाइटल्स हो, है ना, तो कर ही सकते हैं। अब नहीं जो चीज़ में जहाँ पर भूल होगी वहाँ पे आप जिस एहसास में चाहिएगा वो कोशिश करूँगा कि भाई उस एहसास में बोले, है ना, हाँ, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ। और क्या है, व्हाट एल्स, जैसे कोई यहाँ पे फेस्टिवल होगा शहर में तो उसमें भी कुछ आपको अगर करना है तो भी कर सकते हो ना, गाना वाना भी कर सकते हो एक्सेट्रा, हाँ, मजा आएगा, लेकिन उसको हम एक चीज मना करेंगे कि कोई भी रेडियो पे ना करे, बिकॉज़ रेडियो पे आवाज सही से नहीं जाती लोगों की, बहुत गंदी आती है, हाँ, बहुत गंदी लिटरली, रेडियो पे नहीं करवाएंगे उसका, मैंने सोचा था कि लाइक एक माइक वाला सिस्टम करवाते, हाँ माइक वाला सिस्टम बहुत अच्छा है मालूम है, जब उस यू नो माइक जो है वो डायरेक्शनल हो, जब उस माइक के सामने हो तो ऑटोमेटिकली लाइक यू नो उसकी आवाज पीछे, रेडियो पे तो आवाज ही कितनी फटी हुई आती है, हाँ क्योंकि सही से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए
उस दिन दही आंडी के दिन वो रिकॉर्डिंग की वो देख रही थी मैं। हाँ हाँ। मैं सोच यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या है ये, कितनी इतनी गंदी आवाज में खुद डर गई। हाँ नहीं 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 ऐसी बात नहीं यार, तो मतलब वो दबा देता है आपकी आवाज को, पूरा दबा देता है, इसीलिए जो आपकी आवाज है वो कट करके कुछ और ही निकलती है बस, इसीलिए। ठीक है, लाइक पहले तो लाइक करते हैं इस बारे में कुछ, आगे करते हैं, कुछ लेकर के आते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा। राइट भाई, एक मुझे थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा ऑफिस से, बार बार टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा। देख लेना जब आपको टाइम हो तब मुझे बता देना इस बारे में। हाँ ठीक, करना ही पड़ेगा। और एक काम करेंगे, अगर स्टूडियो वाला हो जाता है ना तो उसमें मजा आएगा, आप समझ रहे हो। प्रैक्टिस कर सकते हो, सो बहुत ऐसे अलग ही अच्छे फीलिंग है। स्टूडियो वाला यार मुझे भी लाइक, मैं पूछती हूँ स्मोकी से जब मेरी बात होगी, उसका स्टूडियो कैसा है, रिकॉर्डिंग वाला है। तो स्मोकी है क्या अभी शहर में? नहीं है। उसने बताया भी नहीं, उसने बोला कि स्टूडियो आ गया है, खुल गया है, पता नहीं क्या क्या, वो कुछ बताया नहीं कहाँ है क्या है। I think Weasel News में भी है recording studio, तो I think है। चेक करना पड़ेगा। मेरे तो कोई जानने वाला भी नहीं है। ठीक है, like you know, you have done your part on this one. अब आगे तो देखना ही पड़ेगा। आज के लिए लाइक यू नो ऐसे करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। वैसे भी आपने तो वैसे भी तो आपने मेल पे कनेक्ट किया ही हुआ है, तो वहाँ पे लाइक यू नो आई विल सी कि और क्या क्या कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, लोगों को भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू प्रशांत भाई, पहली बार किसी ने अप्रिशिएट किया अपना। अरे यू आर मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम भाई। देखो हम तो अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, बस वही है। और मेरा अप्रिसिएशन में कोई मिलावट नहीं होता, मैं साफ साफ बोल देता हूँ जो है। आई एम आईटी कंसल्टेंट सर, और सबसे बड़ी बात हो गई कि आपको जो आप करना चाह रहे हो इतने दिनों से, राइट, यू आर गोइंग टू गेट दैट एज वेल, राइट, वो भी आपको करने का मौका मिलेगा, वो बहुत मैटर करता है। अगर इधर से थोड़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा ना इस चीज में, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू भी करूंगी। That I can't disclose other. तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, there is a reason behind that, okay? जब आप देखो, आज आपने मुझसे help मांगा, I'm more than happy. I'm first of all, I'm honored कि हाँ आपने मुझे choose किया, right? So thank you, right? We will work through it. We will create great, great things, okay? But I will be much more interested कि आप समझ लो इससे कुछ सीख करके खुद का solo का भी कुछ करोगे, तो मुझे और मजा आएगा, समझ रहे हो आप? है ना? आप, मैंने आपको इसीलिए बोला कि अगर इधर से अगर मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया तो इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। वेरी नाइस, तो मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। ठीक है, करते हैं कुछ इसका। अभी मेरा ना एक मॉम के ऊपर लिख रही थी मैं, दो तीन दिन में हो जाएगी कंप्लीट। ओके, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखी है लेकिन, हां कल तक आई थिंक, कल या परसों। ओके ओके, रफली तो लिखा हुआ है मैंने, बट उसको वर्ड्स में चेंज कर देना थोड़ा बहुत, जैसे वर्ड या वो कर दिया बस। ठीक है, मतलब अगर समझ लो कि 60 सेकंड्स के अंदर में अगर सब हो जा रहा है, राइट, 60 सेकंड्स के अंदर में सब नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम लो, मतलब एक एक हर एक चीज सही से लिखना है, ऐसे नहीं कि फटफट फटफट करके पूरा हो जाए, वो सही नहीं है। नहीं, पहले रफली लिखती हूँ, फिर उसको पेंसिल से लिखती हूँ, फिर इरेज करती हूँ वर्ड्स, फिर उसको पूरा प्रॉपर पेन से लिखती हूँ। हाँ वैसे करना, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू। आई थिंक आई विल आल्सो, एटलीस्ट आई विल गेट टू लर्न अ लिटिल बिट फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ कि लिखते कैसे हैं। ओके, मैं तो बोल सकता हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हेलो, हाँ जी, नो आई एम
so expensive. I am so expensive. You just asked me like I am free. No, I am free. Not free. I am so expensive. Product based company or service? Both. Acha tha na? Bolo. Plus some bolo. IPs. हाँ हाँ थोड़ी देर में वो कायरा जी थी ना आपके साथ इसलिए मैं अच्छा अच्छा मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूँ ठीक है मैं करती हूँ फोन फिर अभी थोड़ी देर बाहर आई थी शहर से नहीं मैं स्पेंसर जी के साथ हूँ हाँ जी आती हूँ हेलो बोलिए सर जी जाना है नहीं नहीं इसे पूछ रहे थे ओके ओके कैसा लगा आज इतने टाइम बाद ऑफ ड्यूटी और अरे बहुत सुकून है भाई बाप रे रेडियो की चक चक भी नहीं आ रही होगी अभी तो कैंच 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 खाली दिन में कान में बसते रहता है टेन फोर What's your 20, Spencer जी? हाँ, मेरी 20 है पहाड़ों में. What? जी. हो गए हम कहाँ? हो गए हम कहाँ? गाना सुना दीजिए ना आप. अब इतना स्टार्ट करिए तो. अच्छा आप कुछ एक कोई लेटर में कोई गाना गाओ देखता हूँ मैं अगर उसे पकड़ पाता हूँ तो मैं गा सकता हूँ साथ में. मतलब आप किस टाइप में सॉन्ग सुनते हो उस टाइप में तो गाऊं मैं लाइक पता चले आप गाओगे रोमांटिक ओके वो गाना सुना आपने दिल दिया गल्ला वाला नहीं पता नहीं सुना भी होगा तो मुझे याद नहीं रहता था काम लेटेस्ट वाले सुनते हो या फिर पुराने या लेटेस्ट पुराने दोनों पुराने अगर बोलोगे शायद याद रहे और ज्यादा मुझे तो पुराने गानों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि उस वक्त शब्दों के मायने थे अब आजकल पता नहीं क्या है उस सनमपुरी का वो सुना है लगजा गले लेकिन वो एक्चुअल पुराना वाला तो बहुत डिफरेंट है पर फिर भी सनमपुरी लाइक है ना हाँ सनम हाँ पुराने और न्यू सॉन्ग्स को कॉम्बो करके बहुत मतलब न्यू ट्यून देता है हाँ एक्जेक्टली लेकिन उनका जो राग है जिस तरीके से उन्होंने गाया है वो नहीं याद रहा ना मुझे तो वो गलत हो जाएगा वो पुराने वाले भी चला जाएगा मेरा बस वही है ओके तो पुराना वाला सुना दीजिए ना वो भी अच्छा था हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद आखात हो न हो लगे जागर जाइए नेक्स्ट लाइन पास आइए बहुत प्यारा नहीं वेट करना लाइक ना बहुत डिफरेंट गाते हो बहुत से सेम यही है नए वाले की पता है हाँ हाँ गाइए उसमें लाइक क्या रहेगा ना अगर समझ लीजिए कल कल प्रोग्राम हो रहा है फॉर एग्जांपल लाइक ठीक है ना और शहर में क्या प्रोग्राम्स होते हैं मैं लिटरली बता रहा हूँ तो अगर ऐसा है तो उसमें हम लोग डुओ गा सकते हैं डुएट गा सकते हैं सब लोग अप्रिशिएट करेंगे हाँ, और क्या अच्छा भी लगता है वो हाँ भाई और क्या ये वाला गाइए ना भाई
पास आइए कि हम नहीं। लिरिक्स देख लो। ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो लें जार 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 जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात होना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो। एक जगह कोशिश करिए, होगा जो आ है ना वो हाई जाएगा। नहीं नहीं वो आ हाई जाएगा, आ को हाई करिए। पास आइए कि हम नहीं आए, नहीं हो रहा मेरे से। कोशिश करिए, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, हाँ बहुत अच्छा। हम रोले जा, नहीं आता इतना नहीं है। हम रोले जार जार, हाँ exactly that's it, हाँ कोई इशू नहीं है। जार आँखों से फिर ये प्यारी की बरसात हो न हो, ओ शायद फिर इस जन्म आप अच्छा गाते, आपकी ना ट्यूनिंग बहुत सही है, मुझे ना एक बार ही वो गाना सुनना पड़ेगा। मैडम सच बोलूं तो मेरी कोई ट्यूनिंग नहीं अच्छी है, मैं बहुत गंदा गाता हूँ, उससे भी कई अच्छे अच्छे गवैया हैं। मैं नहीं जानती ना। ये वाला गाना सुनना, बहुत 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 तो लाइक ऐसे ऐसे गाना होना चाहिए ना कि जो थोड़ा एहसास भरा हो, तब आप गा सकोगे, लेकिन उसमें आपको समझना पड़ेगा उस गाने को। ठीक है, मरिए साहेब जी ये करता बहाने, नाना भावे जी ना समझे, शारे धीरे धीरे नैनो को धीरे धीरे आयो रे, धीरे धीरे आयो रे, लाइक व्हाटएवर जालेमा बालेमा व्हाटएवर राइट। थोड़ा लाइक यू नीड दैट काइंड ऑफ एन एसेंस सॉन्ग। ओ सनम तेरे प्यार की कसम, मुझे समाना कि दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना, नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल ना जाना। मजा आएगा, मजा आएगा, आप गा सकते हो लाइक यू नो ऑल दीज। और कौन कौन सा है क्या बात है, सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। क्या बात है, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या बात है। जीने के लिए गई है? सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। I am not letting the word go till the last breath. आज अगर भर आई है, हाँ बरस जाए,
आएगी। कल क्या पता इन्हें के लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छिपा के रखा था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं। प्रिटी गुड, प्रिटी गुड आ जाता है। हाँ हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा आपका पता है गला पे कौन सा गाना सूट कर सकता है? जब खुल के गाओगे धुनकी वाला सॉन्ग। दिल धड़की धड़की लागे वो। हाँ इश्क करते छठे पल्ला मौज करता थके हल्ला जीवे, इश्क में दिल ना हो या फकीरी मांगे सबकी खैर सुखन्ना जीवे, ये राती फारे लगा लड़कारे, इश्क दी मस्ती वे विच सोए थे जागे। समझ रहे हो? ये वाला गाना गाइएगा अपन ना, शेयर करेंगे मेल पे, आप गाने भेज देना मुझे। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज यू कैन राइट नाउ, यू आर सिंगिंग एट अ वेरी वेरी लाइक लो पिच टोन, यू हैव द कैपेसिटी टू गो हाई, ये भी मुझे पता है। एक्चुअली मुझे ना प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आप अभी बोली ये आप खुल के बोल रहे हो राइट, एक्चुअली मुझे ना जिस तरीके से आपने हाई टोन लिया ना ये आप गाने में नहीं ले रहे हो। आई हैव वेरी गुड इयर्स, तो इसलिए मैंने बोला आपको तो दैट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि आप ना थोड़ा बहुत मतलब देखिए अगर हम लोग समझ लिए कि देखिए अब मैं एक बहुत सेल्फिश बात बोलता हूँ ठीक है, मान लिया चलिए हमको भगवान ने थोड़ा बहुत गाने का मतलब वो दिया हुआ है ठीक है, अगर मेरे साथ आप गा रहे हो तो इस तरीके से गाओ कि हाँ भाई मन 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 लग रहा हो कि हाँ भाई गाना गा रहे हैं, स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, इवेंट हो रहा है शहर में, सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए राइट, वैसे वो बस हाँ इवेंट हो रहा है हमको गाना गाना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, समझ रहे हो आप? आपका जो जो आपने जो पोएट्री लिखा है ना ये बहुत आग लगाने वाला है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, इस बार सोचिएगा। मेल पे मैं तो बोलूंगा आपको, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप कनेक्ट कर लेना ठीक है। अभी यहाँ से उठते हैं, मतलब मेरे को ना हाँ, बोलो, वो ऐसे लोग नहीं मिले जो कि मेरे को अप्रिशिएट करें और मेरे को बोले कि यहाँ ऐसा करूँ मैं, समझाने वाले। अच्छा मैं समझ गया, सेल फीस मिल गए क्या आपको, आ जाइए। क्या जंप मारा भाई मैंने। कोई बात नहीं, लाइक अभी तो देखो भाई अगर आप बहुत मजा आएगा, अच्छा है कि चलो भाई आपके पास कॉम्बिनेशन है, मेरे पास अगर मैं थोड़ा बहुत अगर रीड यू नो रिसाइट कर लेता हूँ तो आप लिख सकते हो, इट्स गुड, शायद मैं भी कुछ सीख जाऊँ इसमें। रैप अगर मेरे को टॉपिक्स या फिर बातें होती है ना वो लंबी बातें उनसे भी बहुत चीजें मिलती है, लाइक टॉपिक। अरे आप मुझे तो टॉपिक दे सकते हो यार, टॉपिक लिख करके डिबेट्स वगैरह। अरे प्लीज यार मेरा तो जिंदगी बन जाएगा मालूम है, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इससे, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा बस और कुछ नहीं है। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने तेरे दिल पे लिखा, तेरे नैनों के काजल से ला 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 ला। आपको पुराने गाने एकदम पसंद नहीं है क्या? है ना पसंद, मैं सुनती हूँ। ये किस फिल्म का है पता है आपको? कौन सा? जो मैंने अभी गाना गाया वो है क्या? चांदनी ओ मेरी। यस 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 मिस थैंक यू। अच्छा ये सुनिए,
रसितारों का कभी काली घटा ने तेरा डाला कभी भैरन हवा ने सारे वादे ही रादे बरसात आके सारे वादे ही रादे बरसात आके धो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है मैं पीछे गिरा हुआ हूँ मैं देर करता नहीं देर हो जाती है अरे मार दिया साइड वाले बम्पर ने मुझे धड़ाम से आकर के अब तेरी तो सितारों का कभी काली घटाने तेरा डाला कभी भैरन हवा ने सारे वादे ही रादे बरसात आके सारे वादे ही रादे बरसात आके धो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए हजारे माही तेरा रिश्ता में देखती गाइस ये सब गाना मुझे बहुत पसंद है oh my God. क्या हो गया कैसे कैसे बैठे हो पकड़ लिया मैंने इंतजार कर रही हूँ वैसे मेरे पे केस भी हो सकता अगर मैं छोड़ के भाग गई तो एक पीडी ऑफिसर इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कोई खबर मेरे यार की है यकी वफा नहीं बे मेरे ऊपर से जाएगा मेरे ऊपर जा मार क्यों अरे 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 I've heard that place has great salmon. Oh, my bad. बहुत डिलीशियस आदमी था गाना पसंद आया आप लोगों को विकास मीनाक्षी जी जीडी हीरा सब लोगों को गाना पसंद आया मार दिया तेरे चेहरे से अरे भाई जल्दी बेहोश हो जाऊंगा मैं चेहरे से दर नहीं लगती नजारे हम क्या देखें अरे हॉस्पिटल ले चलो वहीं से कर देंगे कार नहीं है ना दिक्कत ही है किसी दोस्त को बुला लो कोई नहीं है मेरा दोस्त सब दुश्मन है कितने दूर अरे यार कितना टाइम लगेगा शोंटी जी आपके ऑफिसर की जान निकल जाएगी स्पेंसर जी ओके दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे ना मानू रे
भाई बहुत हेवी ड्राइवर हो आप, जाते जाते बोला साइन बोर्ड से लड़ा दिया मेरा फेस बाम आ मारे। क्या मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो मगन हो गई अपनी रातों चल दिया इस सफर के संग, मंजिले ना डोर कोई देखे अपना रंग, रहूं मैं मदंग मदंग मदंग। संजना ये अच्छा होता है बॉलीवुड के एक्टर की तरह संजना उतरे हो ये भैया प्रार्थना कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा सही चीज है, सही चीज है, करी करी है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे हाँ सुगंधिम पुष्टि वर्धनम हाँ उर्वारु उर्वारुक में वंदनान मित्य मोक्षम यमामतात हाँ हाँ। अरे भाई ओम फट स्वाहा और अच्छा कर दिया भैया लेकिन भाई इसमें बहुत पावरफुल मंत्र है ये, शायद अभी छोटी जेब आ जाए। ऑफ कोर्स मैं बस अब मैं बेहोश हो जाऊंगा, बस होने ही वाला हूँ और मैं हुआ मैं बेहोश हो जाऊंगा, हुआ मैं ओके आके ले जाओ मेरे नेल्स बड़े में ट्रीट नहीं नेल्स बड़े हैं मैं ट्रीट नहीं कर सकता रस्ता रोका कभी काली घटा। गाइस जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर दो यार, अरे आजकल भूख में बोल बोल के थक गया हूँ, कब से बोलता हूँ। मेरे नेल्स तो नहीं चुभे आपको? नहीं भाई, अरे बाप रे बाप, डॉक्टर साहिबा एक बात बताओ, डायरेक्टर होकर के भी आपने इतना मुझे पहले बेहोश होने दिया, व्हाई? क्योंकि मैं चाहती नहीं थी मेरे नेल्स आपको चुभे, इसलिए वो आ जाएंगे, इसलिए समझ रहे हो, मैं मेरे नेल्स बढ़िया मेरे को ही कट करने पड़ेंगे आज ही जाके, मेरे को लगता है जरूरत पड़ेगी। यस प्लीज, चलिए हम लोग अब सोने चलते हैं, मतलब लाइक हाँ ड्रॉप कर दें। मेरे को तो ऐसा बोला गया था बिजली जी आ रही, कब आएंगी? कल कल आएंगी क्या? कहाँ आ रही बिजली जी? आपको बचाने आ रही थी, इन्फॉर्म कर दो ना, फिर इन्फॉर्म कर दीजिए आप। हेलो, कहीं भी नहीं है बिजली जी, पर मैंने बचा लिया आपके ऑफिसर को टेंशन, मतलब मेरे नेल्स कट कर दिए, मैंने तोड़ दिए, नेल आर्ट खराब हो गई बस मेरी, कोई दिक्कत नहीं, बचा लिया मैंने जोया को, बस वही तो पसंद आए थे, ठीक है छोड़ो, जोया को नेल्स चाहिए थे ऐसे मेरे जैसे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है वाह वाह स्पेंसर जी आपकी जान खतरे में है। स्पेंसर जी शॉन्टी जी क्या बोलते हैं? हाँ क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई बच गए। नहीं नहीं मैंने बोला ना कि जोया को वही तो पसंद, मैं तो नील्स के बारे में बात कर रही थी, उनको लगा आपकी बात कर रही थी तो बोलते फिर क्यों बचाया हाँ भाई कई सीन है देख रहे हो जॉन्टी जी कैसे अभी सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है कि इट्स लाइक यू नो आधे शहर के लोगों से तो मैं मिला भी नहीं हूँ, ऐसा हाल है समझ रहे हो, इसलिए बोलते थोड़ा बाहर रह करो। अरे कहाँ मैं बाहर रहूँ, बात और चीत दोनों नहीं होती, मैं सिर्फ पीड़ी के इन चक्करों में फंसा रहता हूँ, आज तो कम से कम एक छुट्टी ले भी लिया वरना फिर मैं कहाँ जल्दी निकलता, जानती ही हो मुझे। हुँ 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 हुँ।
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ. हाँ वही अपार्टमेंट छोड़ दिए. मैं लाइक मैं क्या करूँगा ना अभी थोड़ा मतलब लाइक इसे शहर से थोड़ा बाहर निकलूँगा. इसे तो अभी आप रहोगे कि आप जा रहे हो क्या सीन है? नहीं मैं जाऊंगी मैं भी. ठीक है ओके ओके लिखना जरूर लेकिन हाँ भूलना मत प्लीज. हाँ जी आप भूल लोगे फिर. हाँ ओके ओके आगे आपका अपार्टमेंट. यस मैम थैंक यू बाय टेक केयर. थैंक यू इट वाज नाइस टाइम टेक केयर बाय यू. या या लेट्स डू दिस अगेन सम टाइम. ओके बाय बाय. भाई साहब रेड अपार्टमेंट लिखा हुआ है. तो गाइस अभी बेसिकली मैं समझाने दो ओके. सबसे पहले भाई बैठ जाना. भाई बैठता क्यों नहीं है? भाई कैसे बैठ रहा है देखो. ओके तो बेसिकली ये ऐसी बात है कि बार भी हो रही है. इसमें हमको ये दिखाना है कि हाँ भाई चलो हम लोग ड्यूएट्स परफॉर्म कर सकते हैं फेस्टिवल्स में या कुछ भी जो भी है छोटे मोटी चीज़ जो भी होती रहेंगी तो उसमें हम लोग कुछ एक टैलेंट हंट कर सकते हैं. हम लोग अगर स्टूडियो आएगा तो उसमें वो भी दिखा सकते हैं. अगर कोई स्टूडियो का भी जॉब हो तो वो भी सब कर सकता है. ये थोड़ा यूनिकनेस भी होगा. अब देखते हैं भाई जितने रिसोर्सेज ऐड होंगे सर्वर के अंदर में वो कितना चीज़ चलता है मज़ा आ जाएगा. तो वही है. और दूसरी बात यह है कि अगर सब कुछ सही सही चला तो हम लोग कुछ यूनिक दिखा पाएंगे राइट. दैट इज़ व्हाट इट इज़. तब तक के लिए आप सभी लोग लाइक करते रहना मेरे चैनल को. लाइक ज़रूर करना गाइस ओके. बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ करने में ठीक है. तो लाइक ज़रूर कर देना शेयर सपोर्ट कर देना राइट. मेंबरशिप्स ले लेना यार कब से बोल रहा हूँ राइट. मेंबरशिप्स बहुत ज़रूरी है गाइस ठीक है. थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी आप. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि what I was trying to say which I forgot. हाँ एक बात और कि क्रिएटिव आरपी की तरफ और भी ध्यान दे रहा हूँ राइट. थोड़ा सपोर्ट चाहिए. अभी कुछ ही दिन हुए टी आरपी में आते हुए राइट. लोगों से मिल रहा हूँ धीरे धीरे एक्सचेंजेस हो रहे हैं विच विल बी ग्रेट. स्लोली स्लोली बहुत मज़ा आने वाला है ठीक है. तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को लाइक करो अप्रिशिएट करो. क्या बोलते हो गाइस? ठीक है ना? बोलो गाइस बोलो 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 बोलो. लक्ष्मी थैंक यू मैन. बस अपना प्यार देते रहिए यूं ही. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए सपोर्ट कीजिए राइट. एंड अगर समझ लो कि इनके साथ कोलैब करके भी कुछ अगर यू नो कुछ कंटेंट निकलता है कुछ कोलैब करके करेंगे कुछ इन सिटी दिखाएंगे तो मज़ा आएगा. लेट्स सी थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी अब इतना अब देखो भाई इतना सामने निक्स का इतना स्ट्रॉन्ग आरपी आ रहा है राइट. मैं उसको डिनाई कैसे करूं यार ठीक है. अगर सामने वाले का इतना स्ट्रॉन्ग आरपी आ रहा है तो आई हैव टू लाइक यू नो अप्रिशिएट द आरपी है ना. तो मैं क्या बोलते हैं वो करें गाड़ी लूंगा तब गुडलेश पांडे जी ऑफ ड्यूटी. गाड़ी लेना पड़ेगा पहले तो गाड़ी बिना मुझे घूमना अच्छा ही लगता. गाड़ी करता हूँ तो ये सब आरपी जो हो रही है थोड़ा क्रिएटिव आरपी है सपोर्ट कीजिए मजा आएगा. गुडलेश पांडे जी अब आपको यू नो मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए सर. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था मैंने बोला था मेरे पुराने सपोर्टर्स आप सभी लोग मेंबरशिप की तरफ जाओ यार. आप लोग देखो कैसे मेंबरशिप ले सकते हो सपोर्ट करो. याद रखो
₹159 a month hai, right? And that is 5.5 rupees per day. Okay? That is very easy for you to guys support. ठीक है. दूसरी बात ये है कि उसके अंदर कुछ perks भी हैं. कि पहला ये कि sponsor games आप मेरे साथ खेल सकते हो, right? You will have that slot. So make sure you are actually utilizing that. Really important that you understand this. ठीक है ना? Please do that. It will help. Okay? It will help. So kindly do that. ठीक है? Please do that. And moreover, जो लोग मेरे Discord को join कर रहे हो, kindly verify yourself properly. सिर्फ join करने से नहीं होता, आप server rules को accept करो, फिर verify भी करो. ऐसे ही होता है. ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है. Alright? तो अपना साथ दो, फिर सब्सक्राइब करते रहो, कर दो. आज नहीं हो पाया, मुझे कल इस चीज़ को आगे बढ़ाना है यार. Have to do this यार. Anything else? ठीक है, तो थैंक यू. अभी मैं बाई द वे मैं बताना चाहूँगा कि आज हिसाब से अगर सब कुछ तो मेंबर्स कितने हुए गाइस? आज दो कमाए, पहले दो थे, सो टोटल 4 मेंबर्स हुए गाइस. बात क्या देख, आज टोटल कैसे आपको पता है? भी बहुत ज़रूरीत है भी इस बारे में सपोर्ट, बीइंग वेरी वेरी कैंडिड एंड वेरी अपफ्रंट. ऑलराइट, श्योर दैट यू आर कमिंग फॉरवर्ड विद योर सपोर्ट विल बी रियली ग्रेटफुल. तो थैंक यू गाइस. मैं अब करता हूँ स्ट्रीम को बंद. अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल एक नई लाइव स्ट्रीम में. कल किसी दोस्त के घर जाना है थोड़ा लंच वंच पे, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. ओके चलो, होप यू गाइज एंजॉय. गुड नाइट. अपना प्यारा सा गुड नाइट तो लिख दो यार. अच्छा, मुंह मुंह के धागे गाने के लिए बोला था गिरीश ने, किट यार. गिरीश तो अभी है ही नहीं, कोई बात नहीं, कल गा देंगे, देख लें. ठीक है, थैंक यू. And I will see you tomorrow. Okay? Good night. Thank you so much. Thank you. Milte hain kal ek nayi live stream mein. Take care of yourself. Thank you, Arko, for your support, brother. Okay? Adav Mahajan, thank you. Itna khun? Oh, kahan khun? Itna khun kya hota hai? So, karte rehna, guys. Theek hai? Kal milte hain. And, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मेंबरशिप्स ले लो. राइट, थैंक यू अर्को फॉर योर सपोर्ट ब्रदर. थैंक यू टू विकास दीप जी एज वेल फॉर हिज सपोर्ट. आज हमने 2 मेंबर्स कमाए, बहुत बहुत थैंक यू. ऐसे सपोर्ट देते रहिए, मिलते हैं कल एक नई लाइव स्ट्रीम में. तब तक के लिए ख्याल रखो, लॉट्स ऑफ लव गाइज. RP स्ट्रांग है, RP बहुत अच्छी होगी. काइंडली सपोर्ट द चैनल. थैंक यू ऑल, मच लव टू यू एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लाइकिंग द स्ट्रीम. गुड नाइट.